हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बच्चे, आज का मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट के ऊपर है। और ये अमेंडमेंट आईपीसीसी लेवल और सीए फाइनल लेवल दोनों लेवल के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। IPCC 1 का स्टूडेंट हो या CA फाइनल का स्टूडेंट हो, वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर कर सकता है। और जो अमेंडमेंट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ये अमेंडमेंट है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और सर, मैं रटे रटाए नोट्स में बिलीव नहीं करता, हम सिस्टम से चलेंगे जी। मैं क्लास शुरू करने से पहले बच्चों को दो या तीन बातें बताना चाहता हूँ, और प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड ना करें, मेरी बात सुने। नंबर 1, मैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कोई भी PPT बना के नहीं लाया। मैं PPT इसलिए बना के नहीं लाया क्योंकि मुझे इसके नोट्स आपकी कॉपी पे लिखवाने। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप अपने नोट्स तैयार करें क्लास के साथ साथ, क्योंकि अगर आप नोटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ आपको शो करने के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मुझे आपके नोट्स बनवाने के लिए करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं लिखवाने के हिसाब से चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं PPT बना के लाऊँगा, फटाक से काम हो जाना है। पर मैं चाहता नहीं कि मैं PPT बनाऊँ, क्योंकि आपकी कॉपी पे नोट्स तैयार होने चाहिए। नंबर 2, ये वीडियो IPCC 1 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और CA फाइनल के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दोनों लेवल्स के लिए रेलिवेंट है। और ये बात मेरे बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाता हूँ, मेरे लिए दिमाग में ये रखना बड़ा मुश्किल काम होता है कि मैं किस लेवल को पढ़ा रहा हूँ। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा कंप्लीट पढ़ाता हूँ, चाहे वो IPCC 1 का स्टूडेंट हो, चाहे वो IPCC 2 का स्टूडेंट हो, चाहे वो CA फाइनल का स्टूडेंट हो। मेरे से सर ये डिफरेंस नहीं होता कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है। मेरे लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आप चाहे फाइनल में पढ़ लो, चाहे IPCC में, मेरा टेप रिकॉर्डर तो सर यही बजना है। तो प्लीज़ दोनों तरह के स्टूडेंट्स इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। तीसरी बात, मैं ये वीडियो पार्ट्स में अपलोड करूँगा। Part 1, Part 2, Part 3, मे बी Part 4, आई डोंट नो नाउ, मेरे को अभी नहीं पता, आई डोंट नो राइट नाउ। अभी तो मुझे पता नहीं कितने पार्ट्स बनेंगे, लेकिन मेरा हर पार्ट 1 घंटा सवा घंटा, 1 घंटा सवा घंटा। तो अगर आपने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट करना है, तो मेरे सारे पार्ट्स जितने मैं अपलोड करूँगा, आप कवर कर लेना। और एंड में सबसे लास्ट बात, जो चैनल मैंने अभी अभी बनाया है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे कोई यूट्यूब वालों से कमाई नहीं करनी, मुझे अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ना है, ताकि फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट आए, कोई नोटिफिकेशन आए, मैं कोई वीडियो डालूं, तो आप तक वो पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। तो बेटे, आज की क्लास में शुरू करने जा रहा हूँ, और मैं सबसे पहले कुछ हेडिंग्स बनाऊंगा, जिसमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में टोटल हेडिंग्स कितनी है, वो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टाइम तो बच्चों के पास आजकल है नहीं, मैं शुरू करने जा रहा हूँ जी। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, बेटे कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अगर आप मुझे सिर्फ देखेंगे, तो आपको लगेगा यार झेलना बड़ा मुश्किल है जिंदल साहब को। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, तो आपको लगेगा नहीं, स्पीड टना टन है, नोटिंग करने के हिसाब से बैठे हैं सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो वीडियो मैं YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, ये सेम वीडियो मैंने अपने
पेन ड्राइव क्लासेस के 3,000 बच्चों को भी दी है। मैंने कोई अलग से रिकॉर्डिंग नहीं कराई, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूट्यूब पे जा रहा है और यही मैंने पेन ड्राइव में कराया, एक भी प्रोविजन कम नहीं करा रहा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप लिखिए कंटेंट्स में, हमें क्या क्या चीज़ें बेटे स्टडी करनी है, हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। कॉन्सेप्ट वन, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सर, एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट टू, सेकेंड कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स, मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स। कॉन्सेप्ट थ्री, एसेट्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS 10। कॉन्सेप्ट फोर, इनिशियल रिकग्निशन ऑफ PPE। कॉन्सेप्ट फाइव, पांचवा कॉन्सेप्ट। जिंदल सर आप तो लिखवाते जा रहे हो, आप तो लिखवाते जा रहे हो, कुछ बताओ तो सही। बच्चे एक बार हेडिंग्स तो बनाने दो, मैं ज़रा एक बार नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट की एक लिस्ट बना दूं कि क्या क्या पढ़ना है आपने, फिर मैं एक एक करके हेडिंग को उठाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी। जो बच्चे मेरे से फेस टू फेस में पढ़ते हैं सर, उनको तो अपने का तरीका पता है, पर जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ते, प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखें, नोटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है सर, क्योंकि वीडियो को आप बार बार थोड़ी देखोगे। कॉन्सेप्ट फाइव, पांचवा कॉन्सेप्ट, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स, मेजरमेंट ऑफ PPE। ये कॉन्सेप्ट बेटे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका पेपर में, चाहे वो इंटर फाइनल जो भी लेवल हो, मेरे हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, मेजरमेंट। कॉन्सेप्ट नंबर सेवन, कॉन्सेप्ट नंबर सेवन, डेप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट नंबर एट, चेंज इन एस्टिमेटेड डीकमिशनिंग कॉस्ट। कॉन्सेप्ट नंबर नाइन, कॉन्सेप्ट नंबर नाइन, नाइन्थ कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट ऑफ एसेट्स। रिटायरमेंट ऑफ एसेट्स, वेरी गुड,
इसके बाद है जी कॉन्सेप्ट नंबर 10। डी रिकग्निशन ऑफ एसेट्स, डी रिकग्निशन ऑफ पीपीई। एंड लास्ट में है जी कॉन्सेप्ट नंबर 11। कॉन्सेप्ट नंबर 11 डिस्क्लोजर। ये बेटे 11 कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट है और मैंने जो 11 कॉन्सेप्ट्स की हेडिंग बनाई है ये एक्चुअली 11 नहीं है, 11 से ज़्यादा है। अब 11 से ज़्यादा कैसे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये आपका सबसीक्वेंट रिकग्निशन है, मैं इसमें 3 कॉन्सेप्ट इकट्ठे समझाऊंगा। ये आपका इनिशियल रिकग्निशन है, मैं इसमें 5 कॉन्सेप्ट इकट्ठे करूंगा। तो मैंने ओवरऑल बेसिस पे 11 कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी। और सर, जब भी कोई भी सिलेबस में चेंज आता है, जब भी सिलेबस में कोई चेंज आता है, आप मेरी एक बात माने कि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करता है। कुछ बच्चे तो टेंशन ले लेते हैं, अरे अमेंडमेंट आ गई। कुछ टीचर बावले हो जाते हैं, अरे पढ़ना पड़ेगा, रटी रटाई चीज़ ख़त्म हो गई। एक चीज़ बताओ, जब कोई अमेंडमेंट आएगी तो कुछ ना कुछ इंडिया में नए रूल्स आएंगे, इंडिया में नए रूल्स आएंगे तो इंडस्ट्री में चेंज आएगा, इंडस्ट्री में चेंज आएगा तो नए बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पुराने वाले कई बार अपने आप को अपडेट नहीं करते। तो जितने भी बच्चे सी ए फाइनल में हैं वो चेंजेस को एक्सेप्ट करें और इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे माने, क्योंकि जितनी चीज़ों में बदलाव आएगा वो आपके लिए फेवरेबल है। जैसे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम, क्या लाजवाब कॉन्सेप्ट है जी, इंड एस 32, इंड एस 109 एंड इंड एस 107 मेरा फेवरेट टॉपिक है सर, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मज़ा आ जाता है सर पढ़ा के। मैं आपको सही बता रहा हूँ सर, ऐसी ऐसी चीज़ें सर। चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता सर, हम आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं पहला कॉन्सेप्ट, एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। आओ बच्चे, नंबर 1 कॉन्सेप्ट, एक मेन हेडिंग बनाइए अपनी कॉपी पे, कॉन्सेप्ट 1 एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर, लिखो बेटे फटाफट एप्लीकेबल। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ एप्लीकेबल है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है 1/4/2016 से, 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स। जिंदल सर, हमारे सिलेबस में तो 2017 में ऐड हुआ, 20 जनवरी 2017 को इंस्टीट्यूट ने बोला कि बच्चों के एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, आप 2016 लिखवा रहे हो। उसका रीज़न है बच्चे, एज पर कंपनीज एएस रूल्स, एएस अमेंडमेंट रूल्स, अमेंडमेंट रूल्स, अमेंडमेंट रूल्स 2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 30th March 2016।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 30 मार्च 2016 को ही नोटिफिकेशन निकाल दी थी कि आपका नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 का एप्लीकेबल है जी। मैं कुछ बात आपको समझाना चाहता हूँ, इसको छोड़िए ज़रा। हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था फिक्स्ड एसेट्स के नाम से, एक हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था डेप्रिसिएशन के नाम से। ये दोनों के दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विदड्रॉ कर लिए गए हैं, ये दोनों के दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विदड्रॉ कर लिए गए हैं और इन्हें मर्ज करके एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया गया है सर। इनको मर्ज करके न्यू AS10 बना दिया गया है सर, और ये नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1/4/2016 से एप्लीकेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ये नोटिफिकेशन 30 मार्च को ही निकाल दी थी, इंस्टीट्यूट ने अब एप्लीकेबल करा है बच्चों के पेपरों के लिए कि जी May 17 में जो बच्चे बैठेंगे उसके बाद जितने भी पेपर होंगे इस AS के हिसाब से होंगे। तो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में अब एप्लीकेबल करा, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेंडमेंट अभी आई है। अमेंडमेंट तो 30 मार्च 2016 को ही आ गई थी, मैं तो पिछले 1 साल से इसका राग गा रहा हूँ। चलो अब पेपरों के लिए रेलिवेंट हो गया। अब इसको लेके कुछ इश्यूज हैं। फाइनल के बच्चे तो खैर इश्यू नहीं क्रिएट करते, IPCC के बच्चे कुछ मानते हैं इस बात को। IPCC के बच्चे कहते हैं सर ये जो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है क्या ये डेप्रिसिएशन के ऊपर भी फोकस करेगा? तो एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैंने वर्डिंग यूज करी कि मर्ज किया तो यानी इन दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मर्ज करके न्यू AS बना दिया, तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग भी आपका नया AS10 बताएगा। पहले 2 AS हुआ करते थे, अब एक ही AS में हम पढ़ेंगे। एक और बात, बच्चे कह रहे हैं सर इसका नाम है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सर फर्नीचर का क्या होगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का क्या होगा, मोटर व्हीकल्स का क्या होगा? सर हमारे पास तो लाइन लगा के एसेट्स होते हैं, ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करते हैं। तो नलायको ये नाम है, इसको छोड़ो आप, ये तो नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जब हम थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे तो आपके नॉलेज में आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स को कवर करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज नॉट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ओनली, AS10 कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। आप इनकी कंडीशन पूरी कर दें तो सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स आपके ये AS कवर करेगा। तो ये एसेट का नाम कुछ भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस चमकाने वाली बात है PPE। और एक बात आपकी नॉलेज में और डाल देता हूं, इंस्टीट्यूट इस पे इंड AS16 बना चुका है, इंड AS16 बना चुका है और इसका रोड मैप भी बच्चों को पता है कि इंड AS कौन कौन सी कंपनी पे लगते हैं। और जो आपका इंड AS16 है वही उठा के इन्होंने AS10 बना दिया है, और जो इंड AS है ये भी बच्चों को पता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, यूरोपियन स्टैंडर्ड, यूरोपियन को पहले इसमें कन्वर्ट किया अब इसको उठा के यहां ले गए। तो आप इंस्टीट्यूट की चालाकी देखो, पहले इन्होंने इंड AS बनाए और इंड AS का रोड मैप दिया जी इन इन कंपनीज पे सिलेक्टिवली इंड AS लगेंगे। अब इन्होंने धीरे 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 इंड AS के हिसाब से एग्जिस्टिंग AS को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, और मुझे लगता है आने वाले 4-5 सालों में ये जितने भी एग्जिस्टिंग AS हैं सबको इंड AS की लाइन पे ले आएंगे। और जो एट प्रेजेंट 2 सेट चल रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वो सिंगल सेट रह जाएगा। 3 या 4 साल आप देख लेना, जो बच्चे IPCC में उनके फाइनल तक आते आते ये कारनामा कर चुके होंगे। तो आप ये मान के चलें कि पुरानी अकाउंटिंग खत्म, अब जो अकाउंटिंग इंड AS में है वही उसी लाइन पे हम चलने वाले हैं। और इंड AS तो अपने आप में यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे है, तो आप ये मान के चलो कि इंडिया में फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग, इंडिया में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग,
यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगी। और जो कंपनीज एन डी एस नहीं लगा रही वो भी आप एन डी एस के रूल्स के हिसाब से चल रही हैं, क्योंकि आपका जो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एज पर एन डी एस ही है। तो एन डी एस 16 और ए एस 10 बोथ आर क्वाइट सिमिलर, ये मान के चलिए आप। तो पहली बात, पीपीई सिर्फ ये तीन एसेट्स कवर नहीं है, सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स कवर्ड हैं, पहली बात। नंबर टू, टेंजिबल एसेट्स कवर्ड तो हैं लेकिन इंड एस 16 उसको ए एस 10 में कन्वर्ट करके न्यू स्टेटमेंट बना दिया इन्होंने। और धीरे धीरे सारे ए एस, धीरे धीरे आप देखो बच्चे कह रहे हैं सर क्यों झूठ बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, ये इंस्टीट्यूट सारे ए एस को कन्वर्ट कर देगा। तो आप ऐसा करो ना, अमेंडमेंट्स पढ़ लो, ए एस 2 रिवाइज हो गया जी, अच्छा ए एस 4 रिवाइज हो गया जी, ए एस 29 इसमें भी अमेंडमेंट है जी, ए एस 21 अमेंडमेंट है जी। तो यार ये क्या है, इतने सारे ए एस में अमेंडमेंट्स क्यों आ रहे हैं? धीरे 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 डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चलो सर कोई बात नहीं, मैं तो आपको सिर्फ मीनिंग बताने चला था कि पीपीई का मतलब सिर्फ तीन एसेट्स नहीं है, पीपीई का मतलब सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। नेचर, नेचर क्या है सर? नेचर, नेचर है बेटे मैंडेटरी फॉर ऑल, मैंडेटरी फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, ऑल एंटरप्राइजेस, ऑल एंटरप्राइजेस का मतलब कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, ट्रेडर्स, इंडिया में जितने भी कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं सबके ऊपर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट फॉर दोज कंपनीज विच आर अप्लाइंग इंडिया। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 10, ये इंडिया में सारे कमर्शियल एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे नॉन कॉरपोरेट हो, लेकिन उन कंपनीज पे ये नहीं लगेगा जो ऑलरेडी इनडीएस लगा रही हैं। तो जो जो कंपनियां इनडीएस के दायरे में आ गई हैं उनको एग्जिस्टिंग एएस क्यों पढ़ना है? वो क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उनका तो एक सेपरेट सेट बना हुआ है, वो उसमें डील करेंगे। कौन सा सेट लगा रही है? इनडीएस 16। तो जो कंपनीज इन डे एस 16 लगा रही हैं अपने स्टेटमेंट्स पे, वो ए एस 10 नहीं लगाएंगी। ये बेसिक सी बात थी। और एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूँ, हमारे पास होती हैं फिक्स्ड एसेट्स दो तरीके की। हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होती हैं दो तरीके की, या तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं टेंजिबल। कौन से एसेट्स बच्चे? टेंजिबल एसेट्स। और दूसरे कौन से होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल इनटेंजिबल दो तरह के एसेट्स होते हैं सर। इसके लिए हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, और इसके लिए हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 AS। तो आज की क्लास का हमारा जो मुद्दा है वो है टेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नाम से कोई मतलब नहीं सर। जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं और वो फिक्स्ड हैं वो इस AS के दायरे में आते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नाम बहुत बढ़िया है सर, हमें मतलब नहीं, हमें तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पढ़ने हैं। जिंदल सर, जिंदल सर एक डाउट है सर, जिंदल सर इतना बता दो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? मैंने भी बच्चों से क्लास में पूछा कि बच्चे बताओ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, लग गए बच्चे बताने, लैंड,
बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फैक्ट्री शेड, व्हीकल। बच्चे ये तो नाम है, ये एग्जाम्पल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं मानता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है मेरी कंडीशन को पूरा कर दो, एसेट को टेंजिबल का नाम दे दो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, व्हीकल, फर्नीचर, फिटिंग्स, फैक्ट्री शेड, इंटरनल रोड्स, जो भी नाम देना आप दो, कंडीशन को पूरा करके आएगा। तो आप किसी भी एसेट को टेंजिबल एसेट का नाम दे सकते हैं अगर आप कंडीशंस को पूरा करते हैं। तो ये देखिए आप कॉन्सेप्ट नंबर टू, मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स। मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स, सर ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं सर। कॉन्सेप्ट नंबर टू, मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट। मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब नोटिंग करेंगे बाद में, नोटिंग बाद में, पहले हम जरा सीख लें कि टेंजिबल एसेट कहते किसको। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, पूरा नाम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स किसको कहते हैं। टेंजिबल अगर किसी बच्चे ने नोटिंग नहीं भी की होगी, कम से कम इतना सुकून तो है कि वो मुझे वीडियो में पॉज कर लेगा। फेस टू फेस क्लास में अगर किसी बच्चे की नोटिंग रह जाए तो वो टीचर को गालियां देता रहता है, भाई स्लो लिख ले, स्लो लिख ले। कम से कम वीडियो का इतना बेनिफिट तो है, पॉज, नोटिंग कंप्लीट। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं थोड़ा सा तेज़ी से हो सकता है लिख जाऊँ, लेकिन नोटिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर। अच्छा बेटे, इनटेंजिबल का मीनिंग, इनटेंजिबल का, टेंजिबल का, टेंजिबल का मीनिंग। बेटे प्लीज लिखना बंद, मेरी बात पे फोकस करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये कहता है कि आप किसी भी एसेट को टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का नाम दे सकते हैं अगर आपने पांच कंडीशंस को पूरा कर दिया हो। तो कितनी कंडीशन? पांच। अगर कोई भी एसेट इन पांचों कंडीशन को पूरा कर देगी तो हम उसे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मानेंगे। अब वो पांचों कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, कंडीशन फोर, कंडीशन फाइव। पांच कंडीशन है बेटे। कंडीशन नंबर वन, पहली कंडीशन है सर, हेल्ड फॉर यूज। नोटिंग नहीं करनी, नोटिंग कराऊंगा क्लास में, अभी सिर्फ मेरी बात सुनो। अपने दिमाग में एक पिक्चर बिठाओ कि टेंजिबल एसेट्स होते कौन से हैं। पहली कंडीशन, हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर यूज। जितने भी आपके पास एसेट्स यूज करने के लिए रखे हुए हैं वो सारे के सारे आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने बेटे ये भी बताया है कि वो यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो उसको यूज करने के इन्होंने तीन डिपार्टमेंट बताए हैं आपको। यूज करने के तीन डिपार्टमेंट भी बताए हैं इन्होंने, और वो तीन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। आप चाहे फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, आप चाहे ऑफिस में यूज कर रहे हैं, और आप चाहे वेयर हाउस में यूज कर रहे हैं, आपके एसेट्स किसी भी डिपार्टमेंट में यूज हो रहे हैं तो वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की पहली कंडीशन को पूरा करते हैं।
फैक्ट्री में लगा हुआ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री की बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग, फैक्ट्री का कंप्यूटर, ऑफिस का कंप्यूटर, आपके डिलीवरी वैन्स, आपके ट्रक्स, आपके टेम्पू वैन्स, मैं कहता हूँ आपके पास किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी एसेट यूज हो रही है, दैट इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। आपकी फैक्ट्री में अगर शेड भी पड़े हुए हैं तो वो शेड भी यूज कर रहे हो आप। फैक्ट्री के अंदर इंटरनल रोड्स बना रखे हैं आप यूज कर रहे हो। तो अगर आप किसी भी एसेट को यूज करने के इरादे से रखते हो तो वो आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है सर। लेकिन अगर आप किसी एसेट को सेल करने के इरादे से रखते हो कि मैं तो बेचूंगा जी, तो वो इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। हेल्ड फॉर यूज, इस्तेमाल करूंगा मैं उसको, रीसेल नहीं करूंगा मैं उसको, इस्तेमाल करूंगा, हेल्ड फॉर यूज। कौन से डिपार्टमेंट में, याद रखने का तरीका, एनी डिपार्टमेंट, बट इट शुड बी यूज्ड इन बिजनेस ओनली, आपके कारोबार में यूज होना चाहिए। मेरा एग्जांपल देख लो यार, मैं क्लास रिकॉर्ड करा रहा हूँ, ये देखो सामने कैमरा लगा हुआ, ये मेरा इंटरेक्टिव पैनल है, मेरी बात समझ रहे आप लोग, मेरे लैपटॉप्स हैं, ये चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट, ये लाइट्स लगी हुई हैं, ये क्या है, हेल्ड फॉर यूज है, ये सब हैं तो क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, नहीं तो खत्म, हेल्ड फॉर यूज, मेरे सब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। और इनटेंजिबल की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी सीन, पर ये सारे तो नजर आ रहे हैं, तभी तो टेंजिबल कह रहे हैं इनको, हेल्ड फॉर यूज, यूज करने के इरादे से। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन, हेल्ड फॉर रेंटल, हेल्ड फॉर रेंटल। अगर आप किसी एसेट को खुद यूज नहीं कर रहे, आपने किसी दूसरे को यूज करने के लिए दे दिया और उससे आपने रेंटल ले लिया, तो वो भी इस एएस में कवर होगा सर। आप चाहे खुद यूज करो, उसका बेनिफिट बिजनेस में लो, या आप किसी दूसरे को यूज करने का राइट दे दो और उससे उसके बदले में रेंट ले लो, तो वो भी इस एएस में कवर्ड है सर। और सबसे मजे की बात यह है कि रेंटल को लेके मेरे दिमाग में दो एएस हमेशा घूमते हैं, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। ये बात करता है लीज्ड एसेट की और ये बात करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब, मेरे पास एक फ्लैट है सर, मैंने उस फ्लैट को किराए पे चढ़ा दिया, मेरे पास कोई बेसमेंट पड़ी है सर, बैंक को किराए पे दे दी, तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देता हूं तो उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कवर करता है। बाकी जितने भी एसेट्स आप किराए पे देते हैं वो सारे एएस 19 लीज कवर करता है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, मेरे पास क्रेन पड़ी है जेसीबी की, मैंने वो क्रेन डीएलएफ वालों को दे दी उनकी साइट पे काम करने के लिए और वो मुझे उस क्रेन का किराया दे रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने वो गाड़ी किसी को लीज पे दे दी भी तू चला ले, मेरे को किराया दे दियो। तो जितने भी एसेट्स आपको किराया कमा के दे रही हैं, जितने भी एसेट्स आपको रेंट कमा के दे रही हैं, वो सारे भी अब नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंट किए जाएंगे और आप उसे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का नाम देंगे। जिंदल सर, क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग AS 13 में नहीं होगी? आंसर इज नो, अमेंडमेंट आ गया सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी निकालो और AS 10 में ले आओ। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करेगा। और फाइनल के बच्चे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, फाइनल के बच्चे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन कंपनीज पे इंड एस लगते हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी इंड एस 40 लगा रहे हैं। तो जिन कंपनीज पे इंड एस लगते हैं वो इंड एस 40 लगा रहे हैं, वो एक सेपरेट इशू है। जिन कंपनीज पे इंड एस नहीं लगते, अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डील करेंगे AS 10 में।
और वो कैसे डील करेंगे मैं आगे बताऊंगा, मैं अभी उसका मजा खराब नहीं करना चाहता। अभी आप ये फोकस करो कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है। नंबर वन, वो सारे एसेट्स जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ। नंबर टू, वो सारे एसेट्स जो मैं किसी दूसरे को यूज करने के लिए दे रहा हूँ और उससे रेंट कमा रहा हूँ, चाहे वो लीज्ड एसेट्स हैं और चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मैंने कोई भी एसेट लीज पे दे रखी हो, लीज पे, तो वो मेरे लिए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। तो जितने भी लीज्ड एसेट्स हैं और जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं हेल्ड फॉर रेंटल माने जाएंगे। ये दूसरी कंडीशन है सर। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी एक कंडीशन, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में ऑप्शन है, कोई भी एक कंडीशन आप पूरी कर दें। तो मैं आपको पांच कंडीशन कह रहा था, एक्चुअली ये पांच कंडीशन नहीं है बेटे, चार ही हैं, क्योंकि वन और टू, इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी होगी। या तो आप खुद यूज करेंगे या किसी को आप यूज करने देंगे, इन दोनों में से एक ही कंडीशन पूरी हो सकती है। तो फर्स्ट और सेकंड जो भी सेटिस्फाई हो जाए। नंबर थ्री, मोर देन 12 मंथ्स। जिस एसेट को आप टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहना चाहते हैं वो आपके पास 12 महीने से ज़्यादा की लाइफ वाली होनी चाहिए। सर समझ नहीं बात बेटे, मैं ये कह रहा हूँ इट शुड बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। क्यों बच्चे एक बात बताओ ना, अगर किसी एसेट की लाइफ 12 महीने से भी कम है, अगर 12 महीने से भी कम है तो आप उसको कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट के दर्शन कैसे कराओगे भैया? उसकी लाइफ एक साल से कम है। अगर किसी एसेट की लाइफ एक अकाउंटिंग ईयर से भी कम है तो वो तो सेम ईयर में एक्सपेंस ही चार्ज हो जाएगा। आप किसी एसेट को कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट में लेके जाना चाहते हैं, उसकी लाइफ तो हो। अगर वो एसेट बैलेंस शीट में जाने से पहले डेड हो गई तो उसको राइट ऑफ कर देंगे हम। तो एसेट की लाइफ 12 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 12 महीने में बैलेंस शीट एक ही बार बनाते हैं। तो उसकी लाइफ अगर एक साल से भी ज़्यादा नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट के दर्शन कैसे करेगा? वो तो P&L में चला जाएगा। तो जितने भी एसेट्स एक साल से ऊपर की लाइफ के हैं वही बैलेंस शीट में स्टैंड कर सकते हैं, और जिनकी लाइफ 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स हैं उनको एक्सपेंस चार्ज कर देना चाहिए, क्योंकि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स तो बेटे बैलेंस शीट में आते हैं। कंडीशन नंबर फोर, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फोर्थ कंडीशन। जिस एसेट को आप टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का नाम देके अपनी बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं तो वो एसेट्स आपके लिए प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। मतलब उस एसेट को यूज़ करने से आपको फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होके जेब में आना चाहिए। अगर किसी एसेट को यूज़ करने से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो वो एसेट काहे का है? एसेट का मतलब ही इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। एग्जाम्पल बेटे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। मैंने एक कैमरा ख़रीदा था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2014 में E10 ज्वाइन किया था, बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा, एक आधा बैच लिया बस छोड़ दिया मैंने। मेरी नेचर है सर, मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, मेरी नेचर है, मैं क्या करूँ, पंजाबी आदमी है सर, खून जल्दी गर्म हो जाता है, मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता सर एज एन एम्प्लॉय। तो मैंने एक बैच लिया छोड़ दिया, मेरी बात समझ रहे हो? मैंने एक कैमरा ख़रीदा था PD-177, और वो कैमरा मैं 2-2.5 लाख रुपए का लेके आया था, लेकिन E10 में काम करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा सर। मैंने उस कैमरे को यूज़ ही नहीं करा, मैंने बोला वीडियो क्लासेस से दूर रहो, फेस टू फेस में एंजॉय करो। तो मैंने उस कैमरे को ला के रख दिया, मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन जब 2 साल बाद मुझे किसी बच्चे ने बताया सर पेन ड्राइव क्लासेस का ज़माना आ गया और बच्चों ने पेन ड्राइव क्लासेस की एक्सेप्टेंस को मान लिया है, क्योंकि बच्चे सैटेलाइट क्लासेस में जाते हैं, वहाँ कौन सा टीचर सारे बच्चों के डाउट्स का जवाब दे देता है,
वहाँ पे सैस चलता रहता है, टीचर सिलेक्टिवली कुछ बच्चों को जवाब दे देता है, कुछ कराया जाता है। तो बच्चे कह रहे हैं यार घर पे पढ़ लो, अगर ये काम करना है, वीडियो देखनी है तो घर बैठ के देख लेंगे। तो मेरे को जब ये आइडिया मिला, मैंने उस कैमरे को निकाला, लेकिन मेरे को एडिटर कहता है जिंदल साहब इस कैमरे का ज़माना गया, ये तो पुराने ज़माने की चीज़ है, आपको नया कैमरा लाना चाहिए। मैंने बोला अब कौन सा कैमरा है, कहता सर अब तो 4K क्वालिटी चलती है। तो मेरा वो जो कैमरा था मैं उसको यूज़ नहीं कर पाया, मैंने नया कैमरा ख़रीदा, तो मेरा जो नया कैमरा है वो क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहा है। तो मुझे बताओ इकोनॉमिक बेनिफिट्स की कंडीशन कौन सा कैमरा इस फुलफिल कर रहा है, मेरा नया एसेट। तो जो एसेट मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट देगा वो मेरी बैलेंस शीट में आएगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर जो कैमरा आपने रखा हुआ है जो आपके यूज़ में नहीं है उसका क्या करें, वो मैं आपको बताऊंगा। रिटायरमेंट ऑफ एसेट्स का एक कॉन्सेप्ट है, जब हम किसी एसेट को ख़रीदते हैं और वो आपको बेनिफिट देना बंद कर देता है, रिटायरमेंट ऑफ एसेट्स, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 9 में बताऊंगा कि उसका क्या करेंगे। एसेट पड़ा है यूज़ नहीं कर रहे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आ रहे, तो रिटायरमेंट ऑफ एसेट्स के कॉन्सेप्ट में जाके देखेंगे क्या करना है। मेरी बात समझ रहे आप लोग, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस एसेट को आप बैलेंस शीट में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कह रहे हैं वो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कन्वर्ट होना चाहिए। आपने पैकर्स एंड मूवर्स वाले को नाम सुना होगा, कौन से पैकर्स एंड मूवर्स, बड़ी सारी कंपनी है जी, अग्रवाल वालों का बड़ा नाम है आजकल, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। उन्होंने जब कंपनी लॉन्च करी थी पहला ट्रक खरीदा था, अब उनके पास कम से कम 700 ट्रक हैं। तो उन्होंने पहला ट्रक एक सेंटिमेंटल इशू की वजह से अपनी फैक्ट्री में खड़ा किया हुआ है, उन्होंने वो ट्रक बेचा ही नहीं, यूज़ कर नहीं रहे, बेचा है नहीं, तो वो ट्रक इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो नहीं दे रहा, तो उसको रिटायर कर दिया, तो वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की हेडिंग में नहीं आएगा। उसका हम क्या करेंगे वो एक सेपरेट इशू है, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन मैं अपनी बैलेंस शीट में सिर्फ उन्हीं ट्रक्स को शो करूंगा जो मुझे पैसा कमा के दे रहे हैं। मेरी बात समझ रहे, जितने भी एसेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब देखो ना मैंने रेंटल की बात की आपसे, जितने एसेट्स को आपने किराए पे चढ़ा रखा है, भैया किराया आ रहा है ना आपके पास, तो वो किराया जो आ रहा है वो क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट है भैया, जेब में आ रहे हैं पैसे, तभी तो मैं टेंजिबल एसेट्स मान रहा हूँ। और जो मैं हेल्ड फॉर यूज़ कह रहा हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, वो क्या है बेटे, फ्यूचर में सेल होगी, सेल से प्रॉफिट कमाऊंगा, प्रॉफिट मेरी जेब में आएगा, मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही तो हैं। कैपिटल बस्टिंग में क्या करते हैं, कैपिटल बस्टिंग में यही तो डिसीजन लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट लगाएं कि ना लगाएं, ये एसेट खरीदें कि ना खरीदें, रिप्लेसमेंट करें कि ना करें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही तो चेक करते हैं। होना चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, और जिन एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होते मैं उन्हें बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट का नाम नहीं देता बेटे। पांचवी कंडीशन इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बाद हेल्ड फॉर यूज हो गया सर, हेल्ड फॉर रेंटल हो गया सर, 12 महीने से ज़्यादा लाइफ होनी चाहिए नहीं तो एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है सर, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए। पांचवी कंडीशन कॉस्ट, जिस एसेट को आप अपनी बैलेंस शीट में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का नाम देना चाहते हैं वो बैलेंस शीट में किसी ना किसी वैल्यू पे तो शो होगा, उस वैल्यू को हम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो जब मैं कोई एसेट खरीद के लाता हूँ, जब भी मैं कोई एसेट खरीद के लाता हूँ तो उसकी कॉस्ट डिटर्मिनेबल होनी चाहिए। अगर उसकी कॉस्ट रियलाइबली आपको पता ही नहीं कितने की है, आप लिखोगे क्या? तो ये तो एक बेसिक कंडीशन है, बिना अमाउंट के कभी एंट्री पास हुई है आज तक? और अमाउंट में आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए। मैंने मोबाइल खरीदा 70,000 रुपये का, मुझे कॉस्ट पता है ना, 70,000 दे के आया हूँ। मैंने कंप्यूटर खरीदा, मैंने, भैया जब भी हम कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या कोई भी एसेट खरीदेंगे उसकी कोई ना कोई कीमत तो होगी ना, उस कीमत को आप अगर डिटरमिन कर सकते हैं, आप उसे मेजर कर सकते हैं, तो आप एंट्री भी पास कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? पर अगर कोई बंदा ये बोले
मैंने एसेट तो खरीदा, कॉस्ट मुझे पता नहीं जी। तो ये बात कॉन्सेप्ट से बाहर है। मेरी बात समझे आप लोग? कॉस्ट का मतलब समझते हैं, कॉस्ट आउटफ्लो। आपने जो पैसे दिए हैं आपको पता होने चाहिए कितने दिए हैं। झूठ मूठ के एसेट्स बना बना के बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते आप। नोशनल कॉस्ट इज नॉट अलाउड। नोशनली आप कुछ भी नहीं लिख सकते, अंदाजा तो लगाना ही नहीं। ये पांच कंडीशन है। नंबर वन, जिस एसेट को आप टेंजिबल एसेट का नाम देना चाहते हैं वो आपके प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग, बिजनेस में कहीं ना कहीं, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे वो वेयर हाउस हो, कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए सर। अगर आप खुद यूज नहीं कर रहे तो आपने किराए पे दे रखा है उसे। उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा है। अगर एक अकाउंटिंग पीरियड से कम होगा तो एसेट क्या है, एक्सपेंस बना के चार्ज करो उसे। प्रॉफिटेबल होना चाहिए, रिटायर्ड एसेट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। और आपको पता है आपने कितने पैसे दिए हैं। अगर ये सारी कंडीशंस आप फुलफिल कर देते हैं तो मैं उस एसेट को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के दायरे में ले आऊंगा। जिंदल सर इतना टाइम लगा के बस यही बताया आपने, कि इतनी इतना टाइम लगा के यही बात बताई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के दायरे में क्या क्या आता है। बेटे मैं अभी अकाउंटिंग पार्ट में गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं अकाउंटिंग क्या होती। मैं तो मीनिंग पे खड़ा हूँ, मैं तो कॉन्सेप्ट पे रुका पड़ा हूँ। आपको पता तो कम से कम कि टेंजिबल एसेट्स किसको कहते हैं भैया। टेंजिबल एसेट्स कहते हैं इन पांचों कंडीशन को पूरा करने वाली एसेट्स को। मैं एक चीज़ को बार 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 क्यों बोल रहा हूँ, बच्चों के दिमाग में यहाँ स्टोर हो जाना चाहिए कि कुछ पढ़ा था। एक बार बोला, आपने सुना, अच्छा लगा, चलो जी आगे। तीन तीन चार चार बार जब मैं वीडियो में बोलूंगा कुछ तो स्टोर रहेगा यहाँ कि हाँ यार कुछ बताया था सर ने। लिखिए जरा सर, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ सर। मीनिंग ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एज पर न्यू AS 10 PPE the following condition should be satisfied to classify an asset under the heading of tangible fixed assets condition number 1 it should be held for use for production of goods supply of services अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे तो फैक्ट्री शब्द आता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है सर, तो फैक्ट्री में जितनी चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो टेंजिबल एसेट्स हैं। जब मैं सर्विसेज की बात करता हूँ तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ तो मेरे एसेट्स डिफरेंट होंगे। मैंने नाम लिया था पैकर्स एंड मूवर्स, तो वो क्या करते हैं, शिफ्टिंग में हेल्प करते हैं, तो वो भी सर्विस देते हैं,
तो वो जो एसेट्स यूज करेंगे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में है। जो बंदा जिस तरह का बिजनेस कर रहा है सर, उसमें जो एसेट्स यूज होते हैं सर, वो सारे टेंजिबल एसेट्स हैं सर। इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज फॉर प्रोडक्शन। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज और फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स। इन एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? सब कुछ ही आ सकता है सर। लैंड एंड बिल्डिंग आ सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी आ सकते हैं, फर्नीचर आ सकते हैं, फैक्ट्री शेड आ सकते हैं, इंटरनल रोड्स आ सकते हैं। कई बार फैक्ट्री बहुत बड़े दायरे में बनी होती है तो उस फैक्ट्री के अंदर सड़कें बना रखी होती हैं, वो सारी चीज़ें आ सकती है सर। पार्किंग एरिया आ सकता है जहाँ पे फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर के बाइक्स और साइकिल्स खड़े होते हैं। कुछ भी सर, जो भी यूज़ होता है सर। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो किसी भी फैक्ट्री को विजिट कर लेना, उस फैक्ट्री में जो जो यूज़ हो रहा हो वो सब टेंजिबल एसेट्स हैं। तो IPCC 1 के बच्चे तो शायद ऑफिस में नहीं जाते, ट्रेनिंग वगैरह पे नहीं जाते, तो उन्होंने तो खैर नहीं देखा होता। फाइनल के बच्चे तो आपको पता है ढेरों ऑडिट करते हैं, कई बार तो जंगलों में जाके पेपर मिल्स का भी ऑडिट करना पड़ता है, तो रात को बच्चे डर रहे होते हैं कि सांप ना आ जाए कहीं। हमने तो पेपर मिल्स के बड़े ऑडिट किए हुए हैं जी, जंगलों में बिठा देते थे 15 15 दिन, एक बंदा जागता था बाकी सब सोते थे। कंडीशन 2, ये कंडीशन 1 ही है सर, इसको 2 का नाम मत दीजिए, कंडीशन 1 ही है सर। और इट शुड बी हेल्ड फॉर, इट शुड बी हेल्ड फॉर रेंटल पर, इट शुड बी हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस। जब हम रेंटल की बात करते हैं तो रेंटल तो बेटे फिर दो हेडिंग्स में आते हैं, या तो रेंटल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से आते हैं, या तो रेंटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आते हैं, और या फिर लीज्ड एसेट से आते हैं। दीज आर ऑल्सो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। लो जी, एक अमेंडमेंट पकड़ो, एक और एक और अमेंडमेंट पकड़ो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज शैल बी कवर्ड बाय AS 10 नाउ। और इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 नहीं लगेगा। अब AS 13 का कोई काम नहीं है सर इसके ऊपर, AS 10 लगेगा सर।
मेरी ना सर ड्राइंग्स बड़ी ख़राब है, मैं ड्राइंग कर ही नहीं पाता। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को कुछ पिक्चर विक्चर बना के खुश किया जाए, मैं क्या करूँ सर, मेरा स्कूल का बैकग्राउंड ही बड़ा ख़राब है, ड्राइंग कभी की नहीं सर। एक बात और इसके नीचे लिख लो, कॉस्ट मॉडल शेल अप्लाई, कॉस्ट मॉडल शेल अप्लाई। अब सर ये कॉस्ट मॉडल क्या है बाद में देखेंगे, अभी नहीं बाद में देखेंगे। मैंने लिखवा दिया, जब हम क्लास में कॉस्ट मॉडल कर रहे होंगे मैं तब इसको याद करा दूंगा कि मैंने क्या लिखवाया था। अभी लिखो छोड़ दो, बस अभी दिमाग में एक बात रखो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब AS 13 में डील नहीं होगा, AS 10 में डील होगा। लिखो जी दूसरी कंडीशन, अभी तो कंडीशन 1 लिख, मेरे पास पेज खत्म हो गया सर, मैं दूसरे पेज पे आ, प्लस कंडीशन नंबर 2, इट शुड बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 months। जिन एसेट्स को आप बैलेंस शीट में चमकाना चाहते हैं उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वो एक्सपेंस की तरह चार्ज हो जाएंगे। नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, इट शुड हैव सम इकोनॉमिक इकोनॉमिक बेनिफिट्स बेनिफिट्स फॉर द एंटरप्राइज। कंडीशन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ एसेट शुड बी डिटर्मिनेबल फॉर इट्स रिकग्निशन। देखो साहब, रिकग्निशन करने के लिए कॉस्ट तो पता ही होनी चाहिए। आप इन कंडीशंस को पूरा कर दें, बैलेंस शीट में एसेट को दिखा दें, कोई दिक्कत। जिंदल सर, ये जो आपने इतना टाइम लगाया इस डेफिनेशन पे, क्या पेपर में क्वेश्चन आएगा? क्या पेपर में पूछेंगे मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट? अगर बेटे मैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पेपर के हिसाब से पढ़ाने लग गया तो फिर तो मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने को। मैंने आज तक ये बात तो दिमाग कभी चलाया नहीं कि मैंने बच्चों को पेपर के हिसाब से पढ़ाना है, वो तो अपने आप ही कवर हो जाएगा जब सारी चीज़ें हो जाएंगी। मुझे तो AS 10 कराना है सर, इतनी चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, दैट्स इट, ख़त्म करो बात। पेपर में आएगा तो आप कर सको, अपने आप ही कर लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं उस बात से। अगर मैं सिर्फ पेपर के हिसाब से पढ़ाऊंगा फिर तो बहुत कम चीज़ें बता पाऊंगा आपको। अच्छा जी, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट सर, आगे चलते हैं सर। सारी कंडीशन बताने के बाद कॉन्सेप्ट नंबर 3, एसेट्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS। लिखिए बेटे हेडिंग में कॉन्सेप्ट नंबर 3, एसेट आउट ऑफ स्कोप
ऑफ AS10 एसेट्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS नोटिंग करेंगे बाद में, पहले इस पे डिस्कशन करेंगे बच्चे ये क्या है। बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमें कुछ ऐसे एसेट्स बताए जिन पे AS10 लगेगा ही नहीं, प्राइमा फेसी उन एसेट्स को PPE की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया, कहते जाओ यहां से तुम्हारे ऊपर AS10 नहीं लगेगा। वो एसेट्स कह रहे हैं मुझसे कि अगर हमारे ऊपर AS10 नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा, वो करेंगे बाद में बात। पहले ये तो देखो कि कौन कौन से एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के दायरे में नहीं आ रहे। तो बेटे मेरे पास जो दायरे में नहीं आ रहे, आउट ऑफ स्कोप हैं, आउट ऑफ स्कोप मेरे पास दो तरह के एसेट्स। नंबर वन आउट ऑफ स्कोप में है, नंबर वन बायोलॉजिकल एसेट्स। नोटिंग मत करना, नोटिंग कराऊंगा मैं आपको, अभी सुनो बात। बायोलॉजिकल एसेट्स कवर नहीं होते। नंबर टू एक वेस्टिंग एसेट्स कवर नहीं होते। बायोलॉजिकल एसेट्स क्या चीज है सर? लिविंग एनिमल और प्लांट। प्लांट्स मतलब ट्रीज, और वेस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या है? मिनरल, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल, मिनरल ओर्स, नेचुरल गैसेस। अब सर इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं लगता, उसका रीजन क्या है? बायोलॉजिकल एसेट्स पे जो लिविंग एनिमल्स या ट्रीज की बात हो रही है, इसके लिए अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेरे पास दो तरह के सेट होते हैं, एक AS एक इंड AS। तो अगर मैं आपको समझाने के हिसाब से बात करूं तो ये तो है मेरे पास इंड AS 41 तो है, लेकिन एट प्रेजेंट इस पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तो नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर फॉर्मुलेशन है, और अंडर फॉर्मुलेशन का मतलब बन रहा है, तैयार रहो ये भी धमाका होने वाला है। इंड AS 41 है एग्रीकल्चरल पे, एग्रीकल्चर पे लगा हुआ है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे लगा हुआ, एग्रीकल्चर पे इंड AS 41 है, लेकिन एग्जिस्टिंग AS नहीं है। तो ये फॉर्मुलेशन में बहुत जल्दी बना के आप देख लेना, इंड AS की लाइन पे ये भी आ जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये कहता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर फॉर्मुलेशन है उसका वेट कीजिए, और इनकी अकाउंटिंग जाके वहां कीजिए, लिविंग एनिमल और प्लांट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स आर नॉट कवर्ड बाय AS10, दोनों कवर नहीं होते, लिविंग एनिमल और प्लांट्स, और एक वेस्टिंग एसेट्स कवर नहीं होते। अब सर इनको वेस्टिंग एसेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटे ये दोबारा से रीजेनरेट नहीं होते। अगर एक पेड़ कट गया, पेड़ दोबारा लगा देंगे, लेकिन अगर हमारे पास अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम तेल के कुएं कहते हैं, ऑयल वेल्स, रिसोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल्स खनिज तेल, मिनरल ओर्स खनिज पदार्थ, खदाने, जितनी चीजों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेरी बात सुन रहे हो? इनको वेस्टिंग एसेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो भंडार है वो लिमिटेड है। आपने अगर एक बार ऑयल निकाल लिया तो हमें क्या पता उसके अंदर कितना ऑयल हो रहा है। नॉन रीजेनरेटिव एसेट्स कहते हैं इसको हम। ये एक बार अगर हमने रिसोर्स निकाल लिया तो
वो ख़त्म हो गया, दोबारा से नया रिसोर्स ढूंढो अंडरग्राउंड। और आपको पता है जितनी भी इस तरह की कंपनीज हैं वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रिसर्च करती रहती हैं, अरबों रुपए खर्च कर देती हैं ये पता करने में कि कहाँ तेल के रिसोर्सेज हो रहे हैं, तेल कहाँ से निकलेगा। ढूंढते रहते हैं पूरी दुनिया में कहीं से कोई ना कोई रिसोर्स मिल जाए। जितनी ये कमाई करती हैं ऑयल कंपनीज, उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो आपका रिसर्च पे खर्च हो जाता है। सोने की खदान है जी, कोयले की खदान है जी, एक बार निकाल ली चीजें तो खत्म। इसलिए इनको वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं लगता सर। इंटरनेशनल भी हैं, इंड एएस भी हैं, एग्जिस्टिंग एएस नहीं है। और आप देखना बहुत जल्दी कोई ना कोई एएस फॉर्मुलेट करके इस पे भी लगा देंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बायोलॉजिकल एसेट्स पे नहीं लगता। मतलब मेरे पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स में क्या क्या है, मेरे पास तो जी डेयरी फार्म है, मेरे पास गाय हैं, भैंसे हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, मेरे पास शीप्स हैं, गोट्स हैं। अरे हाँ यार, भेड़ बकरियाँ, मुर्गियाँ और गाय कुछ भी कवर नहीं करता सर ये। लेकिन एक बात और भी है सर, इसके नीचे एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है, और वो एक्सेप्शन है सर बियरर प्लांट्स। एक्सेप्शन है सर बियरर प्लांट्स। जिंदल सर, क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो बियरर प्लांट्स हैं वो AS10 कवर करता है? यस, कोई भी ट्री या कोई भी प्लांट AS10 के दायरे में नहीं आता, लेकिन एक बियरर प्लांट है जो AS10 के दायरे में आता है, बियरर प्लांट। तो अगर आपके पास कोई बियरर प्लांट है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की हेडिंग में PPE माना जाएगा। अब बच्चे फिर कंफ्यूज, सर ये बियरर प्लांट क्या है, ये कौन सा पेड़ है जिसको फिक्स्ड एसेट मान रहे हो आप? बियरर प्लांट मैं कोशिश करता हूं सर, बियरर प्लांट। मेरे पास सर दो तरह के प्लांट हैं, एक तो मेरे पास है एप्पल ट्री, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक मेरे पास है टीक ट्री। टीक ट्री, अब मुझे बताओ इन दोनों ट्रीज में क्या अंतर है? एक एप्पल ट्री है, एक टीक ट्री है। टीक ट्री का मतलब सागवान का पेड़ है सर, बड़ी सिंपल सी बात है। जो एप्पल का ट्री है, मैं इस ट्री को काटूंगा नहीं, आई विल नॉट कट दिस ट्री, लेकिन मैं इससे क्या लूंगा, मैं इससे सेब लूंगा, सेब। एप्पल का पेड़ लगाया, सेब आया, तोड़ा, या तो बेच दिया या खा लिया, खा लिया डकार मार लिया सर। मेरी बात समझ रहे हो? एप्पल का ट्री काटने के लिए नहीं होता, एप्पल का ट्री एप्पल निकालने के लिए होता है सर। सर ट्री में से एप्पल निकल, अरे हद करते हो यार, एप्पल उगते तो है ना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो होता है ना उसमें से। जितने सालों तक मुझे ये एप्पल देगा मैं एप्पल लेता रहूंगा, सेब की पेटियों में डाल डाल के बेचता रहूंगा, एक्सपोर्ट करता रहूंगा या लोकल मार्केट में बेचता रहूंगा। पर एप्पल ट्री मैंने लकड़ी काटने के लिए नहीं लगाया, मैंने सेब उगाने के लिए लगाया। इसको कहते हैं बियरर प्लांट। और बियरर प्लांट वो जो आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देता है, उसको काट के बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो जैसे फैक्ट्री में मशीन चलती है तो प्रोडक्शन होती है यूनिट्स की, बेच के हम नेट प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये फैक्ट्री की तरह ही तो हो गया आपका। ये पेड़ अगर आपको सेब दे रहा है, अरे हाँ यार, बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स होते हैं सर, बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स होते हैं। तो एक्चुअली जब मैंने इसको पढ़ा ना, मुझे बात समझ में नहीं आई कि बियरर प्लांट्स क्या होते हैं। तो फिर मैंने जब गूगल पे चेक किया तो मुझे पता लगा, अच्छा यार, जितने भी फ्रूट्स ट्री होते हैं, फ्रूट्स ट्री जिनको हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं वो बियरर प्लांट है। लेकिन टीक ट्री, सागवान की लकड़ी का क्या करते हो? सागवान की लकड़ी तो सर फर्नीचर में यूज़ होती है, घर में यूज़ होती है। तो टीक ट्री तो हम लगाते ही इसको कट डाउन करने के लिए है, हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या है, काटना। मैं इसको काट के
मैं इसको एज ल्यूम्बर यूज करूंगा, फर्नीचर में, घर के फर्नीचर में, दरवाजों में। तो ऑब्जेक्टिव का अंतर है, टीक ट्रीज से मुझे कोई फ्रूट थोड़ी मिलता है। तो ये इंडेस 41 के हिसाब से चलेगा, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यानी इंडेस 16 के हिसाब से चलेगा, पीपीई। एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, सर फ्रूट ट्री तो बहुत से, चेरी चेरी ट्री। मेरी बात समझ आप लोग। तो ऑब्जेक्टिव का अंतर है, मैंने उगाया काटने के लिए तो वो मेरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गया, उसे इंड एस 41 में जाके पढ़ो। लेकिन अगर मैंने फ्रूट उगाने के लिए पेड़ उगाया तो वो मेरा पीपीई है, बीरर प्लांट है सर वो मेरा। पर बेटे इसमें एक कंडीशन और भी है, और वो कंडीशन ये है कि आपका बीयर प्लांट कुछ फ्रूट बियर कर रहा है, दैट इज गुड, पर इसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा भी होनी चाहिए। अगर किसी ट्री की, किसी फ्रूट ट्री की लाइफ 12 महीने से ज्यादा नहीं है तो वो पीपीई की बेसिक डेफिनेशन को कवर नहीं करता। आप देखो ना, ये ट्री है, नंबर वन हेल्ड फॉर यूज है, नंबर टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं, नंबर थ्री इसको मेंटेन करने के लिए मैं जो पैसे खर्च किया हूँ उसका भी हिसाब रख सकता हूँ, नंबर फोर इसकी लाइफ 12 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये कंडीशन को पूरा करेगा। और अगर कोई फ्रूट ट्री 12 महीने से लेस एज का है, हम उसे पीपीई नहीं मानेंगे, वो हमारा इंडेस 41 में ही चला जाएगा, वो AS10 के दायरे में नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा जिंदल सर, एक डाउट है सर, जिंदल सर मेरा डाउट ये है, जिंदल सर मेरा डाउट ये है, मान लेते मेरा मेरे पास एक चेरी ट्री, सर जो चेरी ट्री है ये चेरी उगेगी, चेरी को तोड़ेंगे, पैक करेंगे बेचेंगे, पैक करेंगे बेचेंगे, ये कुछ सालों तक चलता रहेगा। लेकिन सर जो चेरी के पेड़ होते हैं ना, इसकी जो लकड़ी होती है वो बड़ी कीमती होती है। तो सर हम इसको एज ल्यूम्बर यूज कर सकते हैं। अब बताओ क्या करें, इसके तो दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, फ्रूट भी है और इसकी जो लकड़ी है वो काट के यूज भी कर सकते हैं। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव आपने चेरी का ट्री फ्रूट लेने के लिए उगाया या काटने के लिए उगाया? फ्रूट लेने के लिए उगाया। आपने काटा कब? आप इसको तब काटोगे जब इसने चेरी देना बंद कर दिया, तो वो तो स्क्रैप आपके मशीनरी में भी होता है। आप गाड़ी ले आओ, चलाओ 15 साल, उसके बाद स्क्रैप में बेचनी पड़ेगी। आप कोई मशीन ले आओ, स्क्रैप करनी पड़ेगी। तो ऐसे ट्री का अगर आपने स्क्रैप कर दिया तो क्या हो गया? आपने उसको यूज तो किया ना, कुछ सालों तक तो आपने उससे फ्रूट लिया ना। तो सिर्फ इतनी सी बात कि सर इसकी लाइफ खत्म होने के बाद इसको काट के बेचेंगे, ये आपकी डेफिनेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट क्या करेगा? जब आपने इसको उगाया उस टाइम पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेना या काटना। अब जैसे क्रॉप्स की बात करो, आप वीट क्रॉप है या मेज है, मेज का मतलब मक्के की खेती, तो आप ये खेती क्यों करते हो? काटने के लिए करते हो। तो ये क्रॉप्स हैं, बियर और प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आती। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? मैंने इस चीज पे बड़ा मत्था मारा गूगल पे, मेरे को एक दिन तो लग गया इस बात को तैयार करने में कि यार ये है क्या कॉन्सेप्ट। अब मेरे पास इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, अगर मैं इन नोट्स को आपको पढ़ा दूं, रटा रटा आया है सर, मेरे को मज़ा नहीं आता सर, ऐसे रटी रटाई चीज़ें ऐसे चिपकाए चलो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको कुछ बताता हूँ, मैंने कुछ गूगल से डाउनलोड किया था, ये कुछ पिक्चर्स हैं सर, ये देखिए, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है सर। मैं तो कहाँ से लाया, मैं कौन सा खेतों में काम करता हूँ सर, मेरे को नॉलेज कहाँ से हुई? तो खेतों में मैं काम करता नहीं सर, ये देखिए आप, ये मुझे अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड लाइफ बता रहे हैं। ये देखिए आप, एप्पल का ट्री 20 से 40 साल, ये देखिए आप एशियन पियर 15 से 25 साल, फिग चेरी चेरी 15 से 30 साल, एप्रीकोट का पेड़ 20 से 40 साल, ये देखिए पॉमीग्रेनेट 25 से, अरे इतनी लाइफ, एक बार पेड़ लगा दिया उसके बाद मजे मजे।
ये सारी पीपीई हैं, हेल्ड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मेरे पास एक पिक्चर और भी है इसके लिए, देखो आप। ये देखिए, सिट्रस ट्री की भी लाइव भी निकाली थी मैंने, कहाँ गया, ये मैंने डाउनलोड किया था। ये देखिए आप, एवरेज लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन किसका, सिट्रस ट्री, वो सेब अपना, संतरे, किन्नू, है ना, जो जो चीज़ें आपकी सिट्रस फ्रूट्स में आती हैं, सिट्रस में जो आती हैं, पाइनएप्पल हो गया, जितने भी सिट्रस आपके ट्री हैं, वो 50 साल की अप्रॉक्सीमेटली लाइफ बता रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स। अरे यार, ये जो ट्रीज है ना, ये 5-6 साल में तो तैयार ही होते हैं। लीची का पेड़ होगा, मैं पीछे नैनीताल गया था, लीची के पेड़ लगे हुए दबादब। अब उन लीची के पेड़ों को देखते ही इंडियंस दिमाग में घूमता है कि अरे यार, इस पे तो एस लगता है। और कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी चीज़ें पढ़ने को और पढ़ाने को मिलेंगी। सर मज़ा आता है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं सर। मैंने एक पिक्चर और भी डाउनलोड करी थी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, पूरा चार्ट बना हुआ है इसमें। क्या चार्ट बना हुआ है जी, ये देखिए आप, क्या चार्ट है, ये डिस्टेंस बता रहे हैं कितने फुट का आपस में डिफरेंस होना चाहिए, अगर आपने एप्पल लगाना है तो, पर प्लांट। देखिए बियरिंग एज, मेरे को ये पढ़ना था। ये देखो बियरिंग एज, एप्पल के ट्री की लाइफ जितनी मर्जी हो, देखो लाइफ 35 से 45 साल, लेकिन इसकी बियरिंग एज कितनी है, 6 to 10 ईयर्स। इसकी लाइफ है 20 से 25 साल, लेकिन इसकी बियरिंग एज कितनी है, 4 से 6 साल। फ्रूट तो ये 4 से 6 साल ही देगा, लाइफ इसकी चाहे 25 साल की हो तो मोर देन 12 मंथ्स। मुझे सर कोई भी फ्रूट नज़र नहीं आ रहा जो लेस देन 12 मंथ्स हो। एलमंड है, चेरी है, एप्पल, ये सब के सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कवर होते हैं सर। ये सारे के सारे बियरर प्लांट की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। अच्छा जी, मैं कहाँ था, मैं कहाँ था, मैं था इस कॉन्सेप्ट में, एसेट्स आउट ऑफ स्कोप AS10। लिखिए जरा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ न्यू AS10, द फॉलोइंग एसेट्स, आर नॉट कवर्ड, अंडर द स्कोप ऑफ, अंडर द स्कोप ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेट। क्या क्या कवर नहीं होता सर, एसेट्स नॉट कवर्ड अंडर पीपीई, पीपीई में क्या क्या कवर नहीं होता बेटे। दो चीजें कवर नहीं होती इसमें जो मेरी नॉलेज में है। बायोलॉजिकल एसेट्स, द सेकेंड वन इज वेस्टिंग, अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स की तो इस पे इंड एज 41 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर फॉर्मुलेशन, बेटे बायोलॉजिकल एसेट्स के दो पार्ट हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं जी, नंबर वन लिविंग एनिमल,
और दूसरा मेरे पास है सर ट्रीज प्लांट्स, एक्सेप्ट बियरर प्लांट्स। वेस्टिंग एसेट्स मिनरल ऑयल्स ओर्स गैसेस और अदर सिमिलर सिमिलर नॉन रीजनरेटिव एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स कवर नहीं होते सर, वेस्टिंग एसेट्स कवर नहीं होते सर, ये सब कवर नहीं होता। AS10 कवर्स बियरर प्लांट्स। अब सर जैसे इसने बोला कि AS10 कवर्स बियरर प्लांट्स, मुझे इसकी डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। एक बॉक्स बनाइए और एक हेडिंग बनाइए एक्सप्लेनेशन ऑन बियरर प्लांट्स, एक्सप्लेनेशन ऑन बियरर प्लांट्स। बियरर प्लांट्स आर द ट्रीज विच आर हेल्ड फॉर विच आर हेल्ड फॉर नंबर वन इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, नंबर टू फॉर मोर देन 12 मंथ्स वैसे तो सर मेरी ड्राइंग बड़ी बुरी है सर, मैं क्या करूं, मेरी ड्राइंग बड़ी बुरी है सर। एप्पल ट्री मैंगो ट्रीज तीन चार पेड़ बनेंगे ना तो याद रहेगा, हाँ यार ये तो था कॉन्सेप्ट। मैंगो ट्रीज एलमंड ट्रीज, आप जाओ कश्मीर देखो कश्मीर में बादाम के कितने पेड़ लगे हुए हैं। चेरी ट्रीज, जाओ कश्मीर देखो चेरी कैसे लदी पड़ी है वहाँ, हिमाचल प्रदेश में चेरी कितनी है, एप्पल कितने हैं। ऐसी बात नहीं है फॉरेन का फ्रूट ही आता है इंडिया में, इंडिया के अपने स्टेट्स का जो गुड्स हैं वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। फॉरनर हमारा खा रहे हैं, हम फॉरनर्स का मंगा के खा रहे हैं सर, ये हिसाब चल रहा है आजकल। चेरी ट्रीज
कोकोनट ट्रीज। अब बताओ कोकोनट से ट्री से बढ़िया क्या एग्जाम्पल होगा? वो केरला में कोकोनट ट्रीज लगे हुए लदे पड़े हैं, तो लोग कोई कोकोनट के ट्रीज को काटते थोड़ी हैं। अरे नारियल होते हैं यार, नारियल लेंगे। सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं सर ये। अच्छा, लेकिन कुछ कंडीशन और भी थी। बट द फॉलोइंग ट्रीज आर नॉट बीयर प्लांट्स। अब सर बीयर प्लांट्स में क्या क्या नहीं है? नंबर वन, इफ ट्रीज आर प्रोड्यूस्ड ल्यूम्बर का मतलब क्या होता है डिक्शनरी का? मैंने को पता नहीं था सर, मैंने भी ये सारी चीज़ें मेहनत करके इकट्ठी करी कि बीरर प्लांट क्या होता है, ल्यूम्बर क्या होता है। सर टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, चीज़ें आप भी कवर कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं। इसके लिए क्या पिक्चर है सर? टीक ट्रीज। पाइन वुड। ये बीयरर प्लांट्स नहीं हैं, इन सारे के सारे ट्रीज को जो ल्यूम्बर के लिए हैं, ये तो इंड एस 41 ही बताएगा सर। और अगर इंड एस 41 किसी कंपनी पे नहीं लगता, तो कम से कम गाइडेंस तो है हमारे पास, इंड एस को पढ़ के हम उस पर लगा सकते। नंबर टू, क्रॉप्स। क्रॉप्स में क्या आता है सर? व्हीट, मेज। अब आपने अनाज उगाया, तो अनाज उगा के काट दिया, कहाँ है प्लांट? फसल तो कट गई। मक्का उगाया, कट गया, कहाँ है ट्री? जिन चीज़ों को आप काटने के इरादे से लेके आते हैं ना सर, वो बीरर प्लांट नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बना के रखना चाहते हैं, तो वो बीरर प्लांट है सर। मैं देशी देशी शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि क्या है क्या नहीं। लो जी सर, मैंने आपको आज पार्ट 1 में सिर्फ एक ही चीज़ बताई कि टेंजिबल एसेट्स किसको कहते हैं और आउट ऑफ स्कोप में क्या क्या है, क्या क्या कवर नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, मेरा टाइम ख़त्म हो गया क्योंकि मैं इवनिंग में एक्स्ट्रा टाइम निकाल निकाल के रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मैं सुबह फाइनल की पेन ड्राइव की क्लास रिकॉर्ड कराता हूँ, दोपहर में मेरा फेस टू फेस का बैच होता है, तो मैं आजकल बिजी बहुत ज़्यादा हूँ। तो मैं शाम को फिर घर से आता हूँ डांट खा के, मैं कह नहीं यार 5-4 क्लासेज ही तो हैं, कोई बात नहीं। तो मैं इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कराता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आपने ये पूरा एस कवर करना है, तो आप सेकेंड पार्ट की क्लिप ज़रूर देखिएगा, धीरे धीरे अपडेट होते जाओगे। और अभी मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 5% पोर्शन भी नहीं कराया। मेरी बात समझ रहे आप लोग? तो आज के जो पार्ट है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बाकी फिर हम कल कवर करेंगे या नेक्स्ट पार्ट जो भी आप कहना चाहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ओके, वेट फॉर द न्यू वीडियो प्लीज़। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू पार्ट 2 PPE। हाँ जी, हमने PPE में पार्ट 1 में 3 चीज़ें कवर कर ली थी सर, आप अपनी स्क्रीन चेक कर। हमने एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर कवर कर लिया, मीनिंग ऑफ टेंजिबल कवर कर लिया, एंड एसेट्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ AS10 ये भी कर लिया।
आज हम पार्ट टू में क्या करने वाले हैं? आज हम पार्ट टू में कॉन्सेप्ट फोर कवर करेंगे। और कॉन्सेप्ट फोर है सर, इनिशियल रिकग्निशन ऑफ पीपीई। बनाइए सर हेडिंग, कॉन्सेप्ट नंबर फोर, इनिशियल रेकग्निशन ऑफ पीपीई। अरे पीपीई, जिंदल सर आप ना टेक्निकल वर्ड्स बड़े इस्तेमाल करते हैं, आप सीधा सीधा बताओ इनिशियल रेकग्निशन का मतलब क्या है? सर इनिशियल रेकग्निशन का मतलब है एक्विजिशन ऑफ पीपीई। लेकिन मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूं बच्चे, इनिशियल रिकग्निशन का मतलब है किसी भी एसेट को पहली बार अपनी बुक्स में लेके आना। जब हम कोई एसेट खरीद के लाते हैं और हम उसकी एंट्री अपनी बुक्स में पहली बार लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल रिकग्निशन। और जब उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सीक्वेंट रिकग्निशन। और जब हम उसको बेच देते हैं, दैट इज कॉल्ड डी रिकग्निशन। यार किताबों में लाना, फिर उसको मेंटेन करना और उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर देना। तो मैं बात कर रहा हूं इनिशियल रिकग्निशन ऑफ पीपीई। और मेरे पास बच्चे बड़े सारे केस हैं इसमें, मजेदार। क्या सर? लिखिए आप डिफरेंट सिचुएशंस। मेरे पास डिफरेंट सिचुएशन में रिकग्निशन पढ़ना है सर मैंने, डिफरेंट सिचुएशंस। नंबर वन, सबसे पहले कि परचेज ऑफ एसेट्स बाय, सबसे आसान तरीका एसेट्स को खरीदने का बाय कैश। नंबर टू, परचेज ऑफ एसेट्स के बाद, कैश के बाद सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड के बाद हायर परचेज एसेट्स, डी पॉइंट में एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, और ई पॉइंट में सर सम क्लैरिफिकेशंस, क्लैरिफिकेशंस ऑन पीपीई। आज हमने पार्ट टू में इनिशियल रिकग्निशन कवर करना है सर, इस पे आप लगाइए टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज ऑफ एसेट्स, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, हायर परचेज एसेट्स, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एंड सम क्लैरिफिकेशन ऑफ पीपीई। लिखिए फर्स्ट हेडिंग में सिचुएशन वन, सिचुएशन वन, परचेज बाय कैश। परचेज बाय कैश,
इस सिचुएशन के बेटे दो हिस्से बनेंगे। इस सिचुएशन के दो हिस्से बनेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये कुछ नहीं है बच्चे, डिफरेंट सिचुएशंस का मतलब समझते हो। हम अपने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को कितने तरीके से खरीद सकते हैं। मैं कैश दे के खरीद सकता हूँ, मैं खुद बनवा सकता हूँ, जैसे बिल्डिंग मैं खुद बनवा रहा हूँ, सेल्फ कंस्ट्रक्शन। मैं अपने शेयर्स दे सकता हूँ, मैं अपनी पुरानी एसेट के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, बहुत सारे केसेस हैं। मैं लोन पे ले सकता हूँ अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट्स। मेरी बात समझे आप लोग? हम जितने तरीके से एसेट्स को एक्वायर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल रिकग्निशन। मैं एक एक करके सारे सिचुएशन खोल के रखूंगा आपके सामने। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाता हूँ और आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ, तो मेरा ये काम 6 घंटे की जगह 3 घंटे में हो जाएगा, जैसे बाकी सब टीचर्स कर रहे हैं। पर सर, जब तक आप कॉपी पे नोट्स नहीं लिखेंगे ना अपने हाथ से, तब तक ये आपकी चीजें याद नहीं होने वाली। समझ तो लोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स की नॉलेज को कोई चैलेंज है, नहीं, हर टीचर रिस्पेक्टेबल है और हर टीचर की हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि एवरीबडी इज मतलब सब लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए और हमें उनके एफर्ट्स की मेहनत कदर करनी चाहिए। पर मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ कॉपी पे नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि अगर आपके पास कॉपी पे नोट्स नहीं है तो क्या पेपरों से पहले भी यूट्यूब के वीडियो देखते रहोगे? कॉपी पे नोट्स बना के छोड़ दो, वहीं से रिविज़न चलता रहेगा आपका। इसलिए आपको लग सकता है कि मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। मैं इसको क्लास समझ के ही रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मैंने ये बात पार्ट वन में भी बोली थी, मैं पार्ट टू में भी बोल रहा हूँ। आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के, बच्चे प्यार से पढ़ो प्लीज। मेरे पास पहला केस है सर, मैंने अपने एसेट्स कैश में खरीदे। मैंने अपने एसेट्स किस में खरीदे? कैश में खरीदे। अगर मैं कैश में खरीदूंगा तो मेरे पास दो केस बनते हैं सर, कॉस्ट शैल इंक्लूड इसको और सिंपल करके लिखते हैं, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड while computing cost of PPE items to be excluded from cost of PPE। मैं सबसे पहले बात समझाना चाहता हूँ बच्चे कि जब कोई एसेट हम कैश में खरीद के लाते हैं, किस में खरीद के लाते हैं जी? कैश में। जब भी हम कोई एसेट कैश में खरीद के लाते हैं तो हमारी कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा और हमारी कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं रहेगा, हमें क्या क्या लेना और क्या क्या नहीं लेना। ये मेरी पहली सिचुएशन है सर। मैं ज़रा एक बार आपको एक एग्जांपल लेके समझा दूं, राइट? नोटिंग वोटिंग सब बाद में करेंगे। मान लेते हैं जी एक पर्सन है मिस्टर एक्स, और एक दूसरे पर्सन है जी मिस्टर वाई। बेटे मेरी ड्राइंग बहुत माड़ी है, अगर आपको ड्राइंग अच्छी ना लगे बुरा मत मानना। ये जो पर्सन है मिस्टर एक्स, वांट्स टू बाय अ प्लांट एंड मशीनरी फॉर प्रोडक्शन
ये पर्सन है जी मिस्टर वाई, ये है जी वेंडर। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब मैं टाइम लगाऊंगा, लिखूंगा कुछ भी नहीं, सिर्फ बोलूंगा। एक पर्सन है जी मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के लिए एक मशीनरी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं। कोई बिस्किट बना रहा है, कोई टॉफी बना रहा है, जिसका जैसा काम उसको वैसी प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मिस्टर एक्स ने अपनी फैक्ट्री में जो प्लांट इंस्टॉल करना है, मिस्टर एक्स सबसे पहले क्या करेंगे, वो बाजार में जाएंगे, पहले देखेंगे कि जो मशीन मुझे चाहिए वो मार्केट में कितने वेंडर बना रहे हैं। भाई हम पहले पता तो करें, हम जो मशीनरी लगाना चाहते हैं वो मशीनरी कितनी कंपनियां बना रही हैं। अब मान लो एक बंदा आइसक्रीम पार्लर खोल के बैठ गया, तो आइसक्रीम बनाने वाली मशीन चाहिए उसको। आजकल तो आप जाते हैं देखते हैं सब चीजें, तो आइसक्रीम बनाने वाली मशीनें जो हैं वो एक कंपनी नहीं बना रही, वो भी कोई एक कंपनी नहीं बना रही, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। मेरी बात समझ आप लोग। तो पहले हम अप्रोप्रिएट वेंडर का सिलेक्शन करते हैं जी, हाँ इस कंपनी की मशीन बेस्ट है, ये खरीदनी है हमें। हमने जी मिस्टर एक्स के कंप्यूटर से एक मेल इनको भेजा और हमने कोटेशन मंगवाई कि हाँ जी मशीन कितने की आपके, और जो वेंडर पार्टी है इन्होंने अपनी कोटेशन दी है जी 15 लाख रुपए की, कि ये हमारा परचेज प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब मिस्टर एक्स कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जो 15 लाख रुपए आप मांग रहे हैं, 15 लाख रुपए आप मांग रहे हैं, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सीज हैं या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सीज हैं। कहते ना टैक्सीज एक्स्ट्रा, जो एक्साइज जो वैट लगेगा वो एक्स्ट्रा, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन का प्राइस है 15 लाख रुपए, हम टैक्सीज वगैरह सब अलग से लेंगे। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा, इसमें ऐड किया टैक्सीज एंड ड्यूटीज को, इन्होंने हिसाब लगाया तो 1,80,000 रुपये के टैक्सीज एंड ड्यूटीज बनते हैं, ये बनते हैं जी 16,80,000 रुपये। मशीन का बिल रेज करवा लिया कि जी मशीन का बिल रेज करो, 15 लाख की मशीन, 1,80,000 के टैक्सीज, मशीन पड़ती है जी 16,80,000 की। अब ये मशीन है तो वेंडर के पास, अभी बिल ही तो रेज हुआ, इस मशीन को मुझे अपनी फैक्ट्री तक लेके आना है, तो ये मशीन मेरी फैक्ट्री तक कैसे आएगी। अगर ये चाइना से आएगी तो ओशियन फ्रेट लगेगा, अगर ये मशीन चाइना से आएगी तो ओशियन फ्रेट लगेगा, क्लीयरिंग चार्जेस लगेंगे, क्लीयरिंग एजेंट को फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये मशीन मुंबई से दिल्ली आनी है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, भाई किसी ना किसी ट्रक में, किसी ना किसी टेम्पू ट्रैवलर में, कहीं ना कहीं तो डाल के भेजेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनती है इसके ऊपर, ट्रक में चढ़ाना और ट्रक से उतारना, ट्रक से चढ़ाना और ट्रक पे उतारना, इसके कुछ हैंडलिंग चार्जेस भी बनेंगे। अगर ये मशीन इंपोर्ट होनी है तो हमारा वेंडर डॉक पे भेजेगा, बोर्ड पे, फिर हम क्या करेंगे, जब मशीन इंडिया में पहुंच जाएगी वहां से अपनी फैक्ट्री तक लेके आएंगे। भाई खर्चे तो आने ही आने, मशीन वेंडर की प्रिमाइसिस से लेके अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए आपको जो जो खर्च करना पड़ेगा वो मशीन के लिए ही खर्च हो रहा है, और अभी भी मशीन इस्तेमाल करने लायक नहीं बनी। मशीन अभी इस्तेमाल कहाँ हो रही है, अभी तो मशीन फैक्ट्री में पहुंची है। हमने परचेज प्राइस दिया, हमने टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी दे दिए, हमने उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी दे दिया, हमने उसके लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी दे दिए, मशीन फैक्ट्री में पहुंच गई। अब इस मशीन को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा सर, इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। लेकिन मशीन को इंस्टॉल करवाने से पहले कुछ साइट वगैरह तैयार होती है, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस, कुछ बाउंड्री बनती है, कुछ जमीन पक्की करनी पड़ेगी आपको, तब जाके प्लांट लगेगा। लगता तो सर साइलेंट जनरेटर नहीं है, आप कभी देखना शॉपिंग मॉल्स में जाना, बड़े बड़े टर्बाइन लगे होते हैं तो उनके लिए प्रॉपरली एक साइट बनी होती है।
अब मान लो मुझे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है और उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने से पहले एक पुराना स्ट्रक्चर खड़ा है, तो मैं पुराने स्ट्रक्चर को पहले तोड़ूंगा तभी तो नई बिल्डिंग बनेगी। तो साइट तैयार करवानी पड़ेगी, उस मलबे को हटाना पड़ेगा। मैं कहने का मतलब ये है, अभी भी ये मशीन इस्तेमाल के काम नहीं आ रही, अभी भी हम उस मशीन को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं। साइट तैयार हो गई, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, प्रोफेशनल फीस हो गई, प्रोफेशनल फीस, इसमें बहुत सारे बंदों की फीस ऐड आ जाती है। मान लो मुझे चाइना से कुछ इंपोर्ट करना है, मैं अपने सीए साहब के पास गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाया, उन्होंने अपनी फीस ले ली। मुझे बिल्डिंग बनानी है तो आर्किटेक्ट को बनवाया बुलाया, आर्किटेक्ट फीस ले गया अपनी, इंजीनियर्स को बुलाया, भैया इंस्टॉल करो, उनकी गाइडेंस में इंस्टॉल हुई। एक एक पैसा, एक एक पैसा, ये सब कहानी है, सब कहानी है। फंडा क्या है, एक एक पैसा जो आपकी जेब से निकलेगा और आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को यूजेबल कंडीशन में लेके आएगा, वो सारे के सारे अमाउंट्स कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे, चाहे वो मेरी लिस्ट में हो या ना हो। लिस्ट का कोई मायने नहीं है सर, ये सब कहानी बना के सुना रहा हूँ मैं आपको, एक वर्चुअल पिक्चर बना रहे हैं कि क्या क्या पैसे खर्च हो सकते हैं। परचेज प्राइस गया, टैक्सेस एंड ड्यूटीज गए, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी लगाओ, रास्ते का इंश्योरेंस भी हो गया, प्रोफेशनल की फीस हो गई, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस हो गए। ये सारा कुछ करने के बाद मैं इस मशीन को यूज़ करना स्टार्ट कर सकता हूँ। ये मशीन रेडी फॉर यूज़ है, ये मशीन रेडी फॉर यूज़ है, लेकिन अभी भी एंटरप्राइज को ये लगता है, अभी भी एंटरप्राइज को लगता है कि जो मशीन हम खरीद के लाए हैं, पता नहीं इससे जो प्रोडक्शन होगी वो क्वालिटी प्रोडक्शन होगी कि नहीं होगी, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करें कि ना करें, कहीं पिट तो नहीं जाएंगे। तो कंपनी ने 15 दिन तक ट्रायल चलाया इस मशीन का, और उस ट्रायल को हम भाषा में कह देते हैं स्टार्टअप एंड कमीशनिंग कॉस्ट। मैं इस मशीन को ट्रायल फेज में रखता हूँ और कुछ सैंपल यूनिट्स बना के देखता हूँ। तो उन सैंपल यूनिट्स को बनाने में क्या क्या खर्च होगा, मटेरियल खर्च होगा, लेबर खर्च होगी, ओवरहेड्स खर्च होंगे। एक एक पैसा जो सैंपल यूनिट्स को बनाने में लगा वो भी इस पीपीई की कॉस्ट में ऐड कर देना, सैंपल यूनिट्स की कॉस्ट मतलब ट्रायल रन की कॉस्ट। और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं बच्चे, ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं। मुद्दा क्या है, एक एक पैसा, एक एक पैसा जो आपकी जेब से निकलेगा और इस एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए खर्च होगा, वो सारे का सारा इसकी कॉस्ट में ऐड होगा। मैं ऐड कर देता हूं सर, सैंपल यूनिट कॉस्ट, सैंपल यूनिट कॉस्ट। लेकिन अभी भी एंटरप्राइज टेंशन में है सर, अभी भी एंटरप्राइज को लगता है कुछ कमी है कॉन्सेप्ट के अंदर। और उन्होंने एक चीज और एनालाइज करी, दैट इज डी कमीशनिंग कॉस्ट, डी कमीशनिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। जब इन्होंने इस प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा तो भारत सरकार ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप इस तरह के प्लांट एंड मशीनरी को इंडिया में 3 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, और जब आप इसको यूज़ करना बंद कर देंगे, आप इसको डिसमेंटल करके इस जगह पे आप इसको स्क्रैप करेंगे। मेरी बात समझ रहे आप लोग? मान लो मैं एक न्यूक्लियर प्लांट लेके आया हूँ, तो न्यूक्लियर प्लांट आपको पता है हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है। तो सरकार कहती है हमने पब्लिक को मारना थोड़ी है, इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं आपके उनको डिसमेंटल करके डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीका है, उसको डिसमेंटल करने में भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। मान लो हमने एक एयरक्राफ्ट खरीदा, एयरक्राफ्ट जब तक यूज करते रहेंगे दैट इज पीपीई, लेकिन अगर वो एयरक्राफ्ट स्क्रैप हो जाए, खराब हो जाए, तो आपको पता है उस एयरक्राफ्ट को खड़ा करने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, एयरपोर्ट पे क्राफ्ट को खड़ा करने के भी पैसे देने पड़ते हैं,
तो कंपनी डिसमेंटल करके डिस्पोज ऑफ करेगी, और एयरक्राफ्ट को डिसमेंटल करके हटाना उसमें पैसे लगेंगे, शिप है शिप को डिसमेंटल करने में पैसे लगेंगे। ये जितने ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ रिमूवल से डील करते हैं। तो अगर पीपीई, अगर आपके पास कोई भी पीपीई ऐसी नेचर का है जिसको डिसमेंटल करने में आपको मेजर कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये कहता है उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट को आज एस्टिमेट करो और उसे आज ही एस्टिमेट करके कॉस्ट का पार्ट बना लो। फिर बच्चे कहते हैं जिंदल सर मान लो एसेट की लाइफ 10 साल है तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो हमें आफ्टर 10 ईयर्स चाहिए, तो आज मैं कॉस्ट में क्यों ऐड करूं? जो चीज मुझे 10 साल के बाद चाहिए उसे मैं आज प्रोवाइड क्यों करूं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है हम कौन सा कह रहे हैं फुल प्रोवाइड करो। अगर आपको ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट 10 सालों के बाद पे करनी है तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कॉस्ट में ऐड कर लो। फिर आप सोचोगे सर मान लो डिसमेंटलिंग कॉस्ट मेरे को चाहिए 10 लाख और इसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है 2.5 लाख, तो फिर बच्चे ये सोचते हैं कि हमने तो 2.5 लाख की कॉस्ट में ऐड किए, चाहिए 10 लाख, तो ये कैसे पूरे होंगे? इसके लिए आपको मेरा एक वीडियो और देखना पड़ेगा। मैंने एक अमेंडमेंट का वीडियो डाला है सेकेंड ग्रुप का, अमेंडमेंट्स फॉर सेकेंड ग्रुप, उसमें मैंने प्योरली बताया है कि ये 2.5 लाख 10 लाख कैसे बनेंगे, ये AS 29 बताएगा। मैं आज डिसमेंटलिंग कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन ये 2.5 लाख 10 लाख कैसे बनेंगे ये बात मैंने अपने दूसरे वीडियो में AS 29 में बताई है, AS 10 नहीं बताता। AS 10 तो बस इतना कहता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड एट प्रेजेंट वैल्यू वाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ पीपीई, उसके बाद चुप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शांत। अब वो धीरे धीरे कैसे वो 10 लाख बनेगा दैट इज अ सेपरेट इशू, दैट इज अ सेपरेट इशू, और वो AS 29 का पार्ट है और उसके लिए आप सेकेंड वीडियो रेफर कर सकते हैं। सर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं तो आपको पीपीई की कॉस्ट निकालना सिखा रहा हूँ, पीपीई की कॉस्ट निकालना सिखा रहा हूँ। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को आज ही प्रोवाइड कर लो। अच्छा एक बात बताओ, डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपको 10 साल के बाद चाहिए, मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज उसको कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बना उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो बाद में खर्च करनी है, बाद में राइट ऑफ करनी है, हम उसे कॉस्ट का पार्ट बना के धीरे धीरे डेप्रिशिएट करते रहेंगे, तो बाद में राइट ऑफ करने की टेंशन नहीं होगी। और बड़ी आसान सी बात है सर, मैं आपको बताऊं इसका जो डिफरेंस है 7.5 लाख रुपए, इसे इन्होंने इंटरेस्ट कॉस्ट का नाम दिया हुआ है। मैं इस पे सर बहस नहीं करना चाहता क्योंकि AS 10 का मुद्दा नहीं है, ये AS 29 का मुद्दा है। मैं आपको बता देता हूँ उस वीडियो में अमेंडमेंट नंबर 2 देख लेना आप, अगर आप इस फंडे को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको AS 29 की अमेंडमेंट नंबर 2 देखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको वीडियो चेक करना पड़ेगा सर। लेकिन मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ पीपीई की कॉस्ट बता रहा हूँ जो कि हमने कैश में पे की है। लेकिन बच्चे एक बात और ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं की जाएंगी, हमें इसमें से माइनस भी करनी है। चलो जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी ऐड हो गया, कॉस्ट ऑफ रिमूवल भी कह सकते हैं बच्चे, ये बन गया कॉस्ट ऑफ पीपीई, लेकिन कुछ चीज़ें माइनस भी करनी है। क्या माइनस करनी है? नंबर वन, ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको वेंडर ने कोई ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, यू हैव टू डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ पीपीई। तो जो परचेज प्राइस आपने ऊपर लिखा है वो परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होना चाहिए। कैश डिस्काउंट तो आपको पता है P&L में जाता है, कैश डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ पीपीई, इनफैक्ट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ परचेज प्राइस।
ये तो ऊपर ही कट जाना चाहिए, ये जो परचेज प्राइस है इसी में से ट्रेड डिस्काउंट कट जाना चाहिए। अच्छा जी, ट्रेड डिस्काउंट कट गया, माइनस रिफंडेबल ड्यूटीज और टैक्सेस। आपने एक्साइज पे किया, एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको सैनवेट क्रेडिट दे दिया। अगर आप एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, आपने एक मशीन खरीदी उस पे एक्साइज पे किया, उस मशीन से जो आउटपुट बनाया वो भी एक्साइजेबल गुड्स बनाए, तो आपको इनपुट वाले एक्साइज ड्यूटी का रिफंड मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड सैनवेट क्रेडिट। और फाइनल के बच्चों को तो एक गाइडेंस नोट भी कराया जाता है, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर सैनवेट क्रेडिट, सीसीआर, सैनवेट क्रेडिट रिसीवेबल कैपिटल गुड्स। आईपीसीसी के बच्चों के लिए रेलिवेंट नहीं है, उनके लिए बस यही रेलिवेंट है कि अगर कोई ड्यूटी या कोई टैक्स रिफंडेबल या एडजस्टेबल नेचर का है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, सैनवेट क्रेडिट। तीसरा, स्क्रैप वैल्यू ऑफ सैंपल यूनिट्स, स्क्रैप ऑफ सैंपल यूनिट्स। जो सैंपल यूनिट्स आपने बनाए थे और उस पे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आपने खर्च किए थे, अगर वो सैंपल यूनिट्स आप लोगों में फ्री में बांट देते हैं कि टेस्ट करना भुजिया बनाया मशीन से टेस्ट करना, फिर तो सर सैंपल यूनिट्स की फुल कॉस्ट रहेगी। लेकिन अगर आप सैंपल यूनिट्स को स्क्रैप कर देते हैं, उसको बेच देते हैं और कुछ मिल जाता है आपको, तो सैंपल यूनिट्स कॉस्ट को नेट ऑफ कर देना चाहिए। तो सैंपल को बनाने में लगे 10 लाख, सैंपल का स्क्रैप आ गया मेरे पास 2 लाख, तो मेरे लिए तो 8 लाख ही कॉस्ट है सैंपल यूनिट्स के। जितने पैसे मैं जेब से देता जाऊंगा वो मेरी कॉस्ट, और जितने पैसे वापस आते जाएंगे वो मेरी कॉस्ट को कम करते जाएंगे। नंबर वन ट्रेड डिस्काउंट, नंबर टू रिफंडेबल टैक्सेस, नंबर थ्री स्क्रैप ऑफ सैंपल यूनिट्स, और नंबर फोर ग्रांट्स। अगर भारत सरकार की तरफ से किसी पीपीई के रिलेशन में कोई ग्रांट आ गई तो वो ग्रांट भी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंस बचेगा ये मेरी ओरिजिनल कॉस्ट होगी सर, और मैं जो डेप्रिसिएशन निकालूंगा सर वो इस पे निकालूंगा। ये मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है, ये इनिशियल रिकग्निशन है किस चीज़ का, परचेज बाय कैश का। अगर मैं कोई एसेट कैश में खरीदूंगा तो ये चार्ट बनेगा सर, इतना लंबा चौड़ा चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझे आप लोग? अच्छा जी, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट निकाल रहे हैं सर। अच्छा जी, ये कॉस्ट कैसी आएगी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जी परचेज प्राइस, सबसे पहले लिखेंगे जी परचेज प्राइस। ये वो प्राइस है जो हम वेंडर को देते हैं, लेकिन ये होना चाहिए नेट ऑफ, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, जो डिस्काउंट उन्होंने हमें ऑफर किया ये परचेज प्राइस में से ही कट जाना चाहिए। फिर मुझे प्लस करना चाहिए नॉन रिफंडेबल और एडजस्टेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। आप मेरी वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्डिंग क्या यूज़ करी, नॉन रिफंडेबल। अगर रिफंडेबल या एडजस्टेबल होंगी, जस्ट लाइक सैंडविच क्रेडिट, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम ड्यूटी का रिफंड, वैट क्रेडिट,
तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। जो पैसा सरकार को दिया और वापस नहीं आया, दैट इज कॉस्ट। हमने सरकार को दिया, आगे एडजस्ट कर लिया, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। प्लस फ्रेट, हम इसको एक हेडिंग देते हैं अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस। और जब हम बात करते हैं अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस की, तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। आप चाहे मशीन को चाइना से इंडिया लेके आओ या बॉम्बे से दिल्ली लेके आओ, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस तो सर यूनिवर्सल है। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, थर्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस, इसको इरेक्शन चार्जेस भी कह देते हैं। किसी भी चीज़ को इरेक्ट करना, इंस्टॉल करना एक ही बात है सर। नंबर फोर, ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस, अच्छा जी सर। फिफ्थ, प्रोफेशनल फीस। चाहे वो आर्किटेक्ट की हो, चाहे वो इंजीनियर की हो, चाहे वो क्लीयरिंग एजेंट की हो, प्रोफेशनल फीस। सिक्स्थ, स्टार्टअप एंड कमीशनिंग कॉस्ट। स्टार्टअप एंड कमीशनिंग कॉस्ट, स्टार्टअप एंड कमीशनिंग कॉस्ट का मतलब सर कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन्स, या हम इसे सैंपल यूनिट्स भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ही है सर, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, ओवरहेड लगेगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ सैंपल यूनिट्स। इफ एनी, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस। आपको मशीन इंस्टॉल करवानी है, उसके लिए साइट तैयार करवानी पड़ेगी। आपको बिल्डिंग बनवानी है तो पुरानी साइट डेमोलिश करनी पड़ेगी, उसको हम साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस का पार्ट मानते हैं। आप ये मान के चलो नई एसेट को यूजेबल बनाने के लिए एक-एक पैसा जो आप खर्च करेंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपीई। एनी अदर एक्सपेंस, एनी अदर एक्सपेंस, विच इज रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग पीपीई
इन देयर प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन, प्रेजेंट कंडीशन लोकेशन। फिर हम इसमें प्लस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग कॉस्ट। इसको हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिमूवल, कॉस्ट ऑफ रिमूवल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जो भी इसे नाम देना चाहो, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जो भी इसे आप नाम देना चाहो, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू सर? प्रेजेंट वैल्यू। ये एक तरह से प्रोविजन बनाने वाली बात हो गई, क्योंकि डिसकमीशनिंग कॉस्ट मुझे फ्यूचर में देनी है, मैं आज थोड़ी दे रहा हूँ, तो उसका प्रोविजन बना के रख लूँगा। एंट्री क्या पास करेंगे अभी चेक कराता हूँ। ये बन जाती है सर कॉस्ट ऑफ पीपी, कॉस्ट ऑफ पीपीई। और अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहूँ, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहूँ, तो मैं एंट्री पास करूँगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट। डीकमिशनिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू पे आपको पीवी फैक्टर लेना पड़ेगा। जिंदल सर, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है सर, ये कौन से रेट पे निकलेगी? तो बच्चे ये प्री टैक्स रेट पे निकलेगी। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करते हैं ना, बस आपको एक बात याद रखनी है कि ये प्रेजेंट वैल्यू प्री टैक्स मार्केट रेट होना चाहिए, प्री टैक्स मार्केट रेट होना चाहिए। आप जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं वो पोस्ट टैक्स निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिजर्व, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकालते हैं वो निकालते हैं आफ्टर टैक्स, लेकिन ये लेना आपने प्री टैक्स रेट। और प्री टैक्स इसलिए क्योंकि ये खर्चा है, इनकम टैक्स कैलकुलेट होने से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, इसलिए आपको प्री टैक्स रेट चाहिए। हम इसमें लिखेंगे बींग एसेट्स एक्वायर। तो अगर आपको एग्जाम्पल में एसेट की कॉस्ट निकालने के लिए कह दें, तो एसेट की कॉस्ट निकाल देना। अब मान लो मेरे को डिसमेंटलिंग कॉस्ट 3 साल बाद देनी है, 3 साल बाद, तो प्री टैक्स रेट 10% गिवन है, तो मैं इसके पीवी फैक्टर निकालूंगा 0.909, 0.826, 0.751, ये रहा जी तीसरे साल का पीवी फैक्टर। मैं इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी अमाउंट आएगी इसको मैं इसमें ऐड कर लूंगा। प्रेजेंट वैल्यू इसको कहते हैं सर, क्योंकि 3 साल बाद देने हैं तो आज की प्रेजेंट वैल्यू। अब ये 0.751 1 रुपया कैसे बनेंगे आज की वैल्यू में,
उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा सर। आगे चलते हैं। मैंने आपको सारी की सारी बातें खोल के रख दी हैं सर कि जब हम कैश में खरीदेंगे तो क्या क्या इंक्लूड करेंगे। अगर मेरे पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता तो क्या इतना टाइम लगता अभी तक? लेकिन आपकी कॉपी पे जो नोट्स बन रहे हैं ना बच्चे, ये एसेट्स हैं आपके। चलो जी, ये तो हो गया, अब मैं इस पे आता हूँ। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आपके कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। नहीं समझे? एसेट्स की कॉस्ट में क्या क्या लेना चाहिए वो तो बताया हुआ है, क्या क्या नहीं लेना चाहिए वो भी बताया हुआ है। मेरी बात समझ रहे आप लोग? नहीं, मैं बताता हूं एग्जांपल से। लो जी, एक शोरूम ओपन हुआ। एक शोरूम खुलता है सर, न्यू शोरूम, और आज इस शोरूम का इनॉग्रेशन है और बहुत सारे लोग इनॉग्रेशन पे काफी पैसे खर्च कर देते हैं। मान लेते हैं एक ज्वेलर ने ज्वेलरी हाउस खोला, एक दुकान खरीदी उसने, उसको इनॉग्रेट कर रहा है, उसने फंक्शन किया, 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। मेरी बात समझ रहे आप लोग? कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एसेट, अगर उसे इनॉग्रेट करने के लिए कुछ पैसे खर्च होते हैं तो AS 10 कहता है जी, इनॉग्रेशन खर्चा, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, ये आपके एसेट्स को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए जरूरी नहीं है। तो अगर आप कोई इनॉग्रेशन एक्सपेंस खर्च करते हैं तो वो इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो अगर आप कोई नई फैसिलिटी लॉन्च करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई नया शोरूम खोलते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेके आते हैं, उसके इनॉग्रेशन पे जो पैसे खर्च होंगे सर, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। जिंदल साहब ने नई जैगुआर खरीदी, और उस जैगुआर को खरीदते ही मंदिर पहुंचे, पंडित जी को 5,000 रुपये दे दिए। सर वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है सर। नंबर टू, कंफ्यूजन खत्म हो गया सर, इनॉग्रेशन का कोई खर्चा कॉस्ट का पार्ट नहीं है। नंबर टू, ट्रेनिंग कॉस्ट। मैंने चाइना से एक मशीन मंगवाई और चाइना से वो मशीन लाके फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दी। उस मशीन के लिए मैं अपने स्टाफ को ट्रेनिंग कॉस्ट खर्च कर रहा हूँ, उस मशीन को चलाने के लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और ट्रेनिंग देने के लिए मैंने 2 इंजीनियर बुलाए, वो पिछले 15 दिन से ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हें कि मशीन ख़राब ना कर देना, नया प्लांट है, कैसे यूज़ करना है, ऑटोमेटिक प्लांट लगाया हमने। सर ट्रेनिंग कॉस्ट ये PPE की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपकी मशीन रेडी फॉर यूज़ है, आप तो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो ट्रेन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना दे और एम्प्लॉय अपना काम ढंग से कर सकें। तो ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट PPE की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। नंबर थ्री, आपने नया शोरूम खोला और आपने मेट्रो के नीचे साइन बोर्ड लगवाए, लोगों को अवेयर करने के लिए आपने 15 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट कर दी, और कल को आप ये बोलो नहीं जी ये तो हमारी प्रॉपर्टी का पार्ट है, हमने 15 लाख रुपए इसलिए खर्च किए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि हमारा शोरूम यहाँ खुला हुआ है। कहते हैं जी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेडी फॉर यूज़ है, एडवर्टीजमेंट तो बिजनेस के लिए चल रही है, PPE की एडवर्टीजमेंट कभी नहीं होती। आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट का कोई असर नहीं आता, एडवर्टीजमेंट का फ़ायदा बिजनेस को पहुंचता है। जिंदल सर आप मना किए जा रहे हो, इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं लेनी, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं लेनी, एडवर्टीजमेंट नहीं लेने। सर फिर इनका क्या होगा?
बेटे इन सबको प्रॉफिट एंड लॉस के दर्शन कराओ, इन सबको प्रॉफिट एंड लॉस के दर्शन कराओ। मान लो मेरी एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग को रीडेवलप करना चाहता, मैं इस बिल्डिंग को रीडेवलप करना चाहता हूँ। रीडेवलप कैसी होगी? मैं इस बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग खड़ी करना चाहता हूँ, लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर मेरी बहुत सारी मशीन लगी हुई हैं, तो मैंने अपना काम बंद ना करना पड़े, क्या करा, एक बिल्डिंग और किराए पे ले ली और अपनी सारी प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे शिफ्ट कर दी और इसका काम कंस्ट्रक्शन का शुरू करवा दिया। नई बिल्डिंग में मैंने रेंट पे लिया, नई बिल्डिंग को रेंट पे लिया, मैंने प्लांट को यहाँ शिफ्ट किया। देखो कितने सारे खर्चे होंगे, नई बिल्डिंग का किराया होगा, प्लांट को रीलोकेट करने के लिए सेटअप कॉस्ट होगी, उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चे होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है। आपने जो सेटअप कॉस्ट खर्च की है, आपने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च की है, आपने जो फैक्ट्री का किराया दिया है, ये सब रीलोकेशन से रिलेटेड है। ये इनिशियल रिकग्निशन थोड़ी है। प्लांट एंड मशीनरी तो आपकी चल ही रही थी, आपने तो उस मशीन को वहां भेज दिया, तो ये कॉस्ट आपकी रीलोकेशन कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। सबको P&L में भेजो। आप कल को ये मत कहना जी बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे इन सबको, ना, आपकी बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, आपका प्लांट भी पहले से इंस्टॉल्ड है, आप तो इस बिल्डिंग को रीडेवलप कर रहे हो, उसके लिए जो पैसे खर्च करोगे, जो फालतू में लगेंगे आपके, वो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो पुराने AS में इन सारी चीजों पे कोई चर्चा नहीं थी, ये सारी चर्चा आपके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है। और मुझे लगता है कि अगर ये पॉइंट्स नहीं भी होते ना, तो भी बच्चे कॉमन सेंस से जवाब दे देते, क्योंकि ये सारी चीजें कॉमन सेंस की हैं कि यार मशीन की कॉस्ट में क्यों ऐड करेंगे, ये सब तो बाद की बातें। ट्रेनिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, ये कोई कॉमन सेंस के बाहर की चीजें थोड़ी हैं सर, मैं वैसे ही बता देता कि ये कॉस्ट में नहीं आती। तो लिखिए जरा, लिखिए जरा, आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड आउट ऑफ कॉस्ट ऑफ PPE, कॉस्ट ऑफ PPE क्या क्या नहीं लेना। अब तो नया स्टैंडर्ड आपको सर सारी चीजें बता रहे हैं, मुझे एक एक करके लिखवाना है सर। नंबर 1, इनॉगरेशन इनॉगरेशन कॉस्ट फॉर ओपनिंग अ न्यू बिजनेस, ओपनिंग अ न्यू बिजनेस, इसका हमारे PPE से क्या लिंक सर? ये तो वैसे ही कॉमन सेंस की बात है, लोगों को बुला के चाय पानी पिला दिया तो हमारी प्रॉपर्टी की कीमत थोड़ी बढ़ गई कोई। एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इससे क्या फर्क पड़ा सर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। नंबर 3, स्टाफ ट्रेनिंग,
स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट ये हमारी उसका पार्ट नहीं है सर, ये कोई बताने वाली बातें थोड़ी हैं सर। नंबर फोर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या कोई भी एबनॉर्मल लॉस एट इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस ये हमारी कॉस्ट का पार्ट थोड़ी है जी, कि बिजनेस अभी स्टार्ट किया जी तो स्टार्टिंग में जो लॉस होंगे वो कैपिटल लॉस होंगे, ऐसे थोड़ी होता है। रीलोकेशन कॉस्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, शिफ्टिंग ऑफ एसेट्स, इसमें क्या क्या खर्चे आ सकते हैं आपको पता होना चाहिए। रेंट आ सकता है, रेंट ऑफ न्यू लोकेशन, रेंट ऑफ न्यू लोकेशन, कोई सेटअप कॉस्ट है नई जगह, सेटअप कॉस्ट एट न्यू लोकेशन, आपने फैक्ट्री की जगह बदल दी, दुकान की जगह बदल दी, ऐसे थोड़ी होता है सर। रिमूवल कॉस्ट फॉर शिफ्टिंग, फॉर शिफ्टिंग द एसेट्स, ये सब बेकार की बातें हैं सर, मैं आपको बताऊं, टाइम खराब करने के अलावा इंस्टीट्यूट ने कुछ ना करा इस। चलो एक नया कॉन्सेप्ट ऐड ही हो गया हमारी नॉलेज के अंदर, और क्या। ये पहला कॉन्सेप्ट है जी परचेज बाय कैश। क्या क्या आना चाहिए वो भी लिखवा दिया, क्या क्या नहीं आना चाहिए वो भी लिखवा दिया। चले जा आगे, एक क्वेश्चन चेक कराऊं बेटे इसके ऊपर, आइए जरा एक क्वेश्चन चेक कराता हूं आपको। मेरे पास है एक क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है इस चीज के लिए। लो जी आप पढ़िए जरा फर्स्ट क्वेश्चन, करिए सॉल्व, आपके स्क्रीन पे लगा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन अगर हम इसको रीड करें, ऑन फर्स्ट मार्च के लिमिटेड परचेज्ड 50 लाख रुपीज वर्थ ऑफ लैंड, 50 लाख की लैंड खरीदी सर इन्होंने, फैक्ट्री बनाने के लिए एक लैंड खरीदी, ठीक है जी। द कंपनी डेमोलिश्ड एन ओल्ड बिल्डिंग ऑन द प्रॉपर्टी एंड सोल्ड द मटेरियल फॉर 1 लाख,
इन्होंने पुरानी बिल्डिंग को स्क्रैप किया, उसको डेमोलिश किया, 1 लाख रुपए आ गए। तो ये एक तरह से स्क्रैप का काम ही करेगा। अगर आप ये देखें ज़रा, कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन हमारी 5 लाख है, 1 लाख रुपए हमें स्क्रैप से आ गए, तो मेरी कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन कितनी रह गई? 4 लाख। हम इसको साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस की हेडिंग में डाल सकते हैं। फैक्ट्री को तैयार करवाने के लिए आपको ये पैसा खर्च करना पड़ेगा। द कंपनी इनकर्ड एडिशनल कॉस्ट एंड रियलाइज सॉल्वेज प्रोसीडिंग्स में। आज देखो जी, लीगल फीस कॉस्ट का पार्ट है, टाइटल गारंटी इंश्योरेंस कॉस्ट का पार्ट है, कंप्यूट द बैलेंस टू बी शोन इन द लैंड अकाउंट ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट। कर देते हैं सर, आइए जरा। 2.5 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख। कॉस्ट ऑफ लैंड बड़ा सिंपल सा काम है जी, 50 लाख रुपए। लीगल फीस 2.5 लाख रुपए। टाइटल इंश्योरेंस कितने का था? 1 लाख रुपए इंश्योरेंस में लगा दिए सर। इस एग्जाम्पल को नोट करना चाहो आप कर लो, वैसे तो वीडियो है, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। वैसे सिंपल केस है, वो ज़रूरत तो है नहीं इसकी। 5 लाख रुपए डेमोलिशन पे लगा दिए, 1 लाख रुपए का स्क्रैप भी आ गया सर, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ लैंड 57 लाख 50 हज़ार रुपये मेरे खर्च हो गए हैं। ये है जी कंपोटेशन ऑफ कॉस्ट, कंपोटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एस। इससे आसान काम क्या होगा सर, वो बस फॉर्मेट बनाना है, प्लस माइनस करके कॉस्ट निकाल के एग्जामिनर को थमा देनी है कि ये ले नंबर दे दे, बात खत्म करो। अच्छा जी, मैं ज़रा कॉन्सेप्ट में वापस आ जाऊँ। आज की क्लास को हमने शुरू किया था इनिशियल रिकग्निशन से, और मैंने एक केस अपना सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है बाय कैश। लो जी, मैं दूसरे केस पे आता हूँ, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स सिचुएशन टू। सिचुएशन टू, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, बेटे एक बात बताइए, क्या ये जरूरी है कि हम बनी बनाई बिल्डिंग परचेज करें? क्या ये जरूरी है कि हम बनी बनाई बिल्डिंग परचेज करें? बोलो हाँ या ना। नहीं सर, जरूरी तो नहीं है। क्या मैं अपनी बिल्डिंग अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करवा सकता हूँ? यस, करवा सकता हूँ। अच्छा जी, मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ। बिल्डिंग के अलावा मैंने एक गाड़ी खरीदी सर, मैंने एक गाड़ी खरीदी सर। नहीं, मेरे फ्रेंड है मिस्टर आशीष कालरा, बड़े भाई हैं, फ्रेंड तो मुझे नहीं कहना चाहिए, बड़े भाई हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। आशीष कालरा सर का नाम आपने सुना होगा, SFM की बेस्ट फैकल्टी है, कॉस्टिंग FM की बेस्ट फैकल्टी है। एक बैच में दो दो 2,500 बच्चे बैठे रहते हैं। तो बड़े भाई ने अभी एक इनोवा गाड़ी खरीदी, और वो इनोवा गाड़ी कंपनी से ब्रांड न्यू खरीद के गुड़गांव में DC वाले को दे दी। DC वाले का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना गूगल पे चेक कर लेना, वो गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं। तो उसने इनोवा को अपनी तरफ से बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया। पहले तो टोयोटा कंपनी की इनोवा लेके आए 16-17 लाख रुपए की, फिर DC वाले ने लिए 10-11 लाख रुपए, उसको मॉडिफाई किया। तो क्या मैं अपने एसेट्स अपने हिसाब से तैयार नहीं करवा सकता? क्या जैसे डिजाइन बाजार में चलते हैं वही डिजाइन मुझे लेने पड़ेंगे? नहीं। तीसरा एग्जाम्पल, क्या ये जरूरी है कि मैं बना बनाया फर्नीचर मार्केट से खरीद के लाऊं? क्या
क्या मैं फर्नीचर अपने आप नहीं बनवा सकता? मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? अब जैसे मैं हूं, मैं सागवान की लकड़ी का बड़ा शौकीन हूं सर, मुझे अपने घर में सारा काम सागवान की लकड़ी का चाहिए, टीक वुड का चाहिए, तो मैंने सारा फर्नीचर अपना अपनी मर्जी से बनवाया, इंटीरियर से काम करवाया सारा। सर मैं करवा सकता हूँ, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो करवा सकता हूँ, नहीं तो देखो सर बाज़ार में रेडीमेड फर्नीचर भी आता है, अलग अलग शौक है सर, नवाब पड़े हैं और शेख भी पड़े हैं, किसी चीज़ की कोई लिमिट तो है नहीं। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक फंडा बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं बनवा सकते, ये ज़रूरी नहीं है सर। तो जब कोई एंटिटी अपने हिसाब से बिल्डिंग बनवाए, प्लांट एंड मशीनरी बनवाए या फर्नीचर बनवाए, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स। और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स में आपकी चाहे मशीनरी हो, कार हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, आपको खर्चे का हिसाब खुद रखना पड़ेगा। और खर्चा है क्या? खर्चा है सर मटेरियल कितने का आया, लेबर ने कितने लिए और एक्सपेंसेस कितने खर्च हो गए। फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, राइट? उसको बनाने के लिए लेबर चाहिए और एक मेरे को कुछ एक्सपेंसेस, कुछ ओवरहेड्स, कुछ अदर मटेरियल चाहिए जिससे कि वो तैयार होगा। बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और कुछ ओवरहेड्स भी खर्च करने पड़ेंगे तो आपकी एसेट तैयार हो जाएगी, लेकिन इसका हिसाब आपको रखना पड़ेगा सर। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, मान लो ये मेरी फैक्ट्री है और मैं अपनी फैक्ट्री के इस हिस्से में कुछ सेल्फ कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ इस हिस्से में, तो इस फैक्ट्री का रेंट जा रहा है सर, तो जब तक ये एसेट्स तैयार हो रहे हैं कुछ ना कुछ इसका हिस्सा इसमें भी एलोकेट होगा। जब तक मेरे एसेट्स तैयार हो रहे हैं तो जितना रेंट मैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स के लिए खर्च करूंगा इनके रेडी फॉर यूज़ होने तक, तो रेंट का भी एप्रोप्रिएट पार्ट इसमें ऐड हो सकता है। हम इसे कहते हैं शेयर इन एलोकेबल एक्सपेंसेस। तो जो खर्चे डायरेक्टली रिलेटेड हैं उसमें तो डिस्प्यूट है ही नहीं, लेकिन अगर कुछ कॉमन खर्चे हैं तो उसका भी हिस्सा आपको एलोकेट करना पड़ेगा। एक और बात बच्चे, अगर मैंने इस सेल्फ कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया हो, मतलब मेरे स्टोर रूम में कोई ऐसा स्टॉक पड़ा है जो स्टॉक मैं इस कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है तो कई बार इंटर प्रोसेस प्रॉफिट चार्ज कर लेता है, क्योंकि हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग की पॉलिसी होती है। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को दिया और उसमें प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो जब हम सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो इस तरह के इंटरनल प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे। तो एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट चार्ज करेगा, दैट इंटरनल प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ एसेट्स। मटेरियल कितना कॉस्ट में, लेबर कितनी कॉस्ट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट में, शेयर इन एलोकेबल एक्सपेंसेस कॉस्ट में और इंटरनल प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड, तो आपकी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट अपने आप तैयार है। मेरी बात समझ रहे आप लोग? तो अगर आपने बनी बनाई एसेट नहीं खरीदी, आपने खुद बनवाई है, तो खर्चे का हिसाब रखो, बात खत्म हो जाएगी। खर्चे का हिसाब तो बेटे रखना पड़ेगा ना। इफ एनी एसेट इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड बाय द एंटरप्राइज, देन कॉस्ट ऑफ दिस एसेट शेल इंक्लूड, शेल इंक्लूड
सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल ऐड करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल ऐड करेंगे प्लस डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड करेंगे प्लस एलोकेबल ओवरहेड्स भी इसमें ऐड करेंगे प्लस नहीं प्लस और क्या, मैं खुद प्लस हो जाऊं बताओ, हद करते हो बेटे। माइनस करेंगे इंटरनल प्रॉफिट्स टू बी एलिमिनेटेड, टू बी एलिमिनेटेड इफ एनी। ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ पीपीई। बस खर्चे ऐड करने हैं यार, इंटरनल प्रॉफिट हटा देना, कॉस्ट तैयार है बेटे। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स की कॉस्ट ऐसी निकलती है। एक और चीज याद रखना, एबनॉर्मल लॉसेस If occurred during the stage of self-construction, then such loss should not be considered. Should not be considered as cost of PPE. कई बार क्या होता है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं जी, बिल्डिंग बन रही है, लेबर स्ट्राइक पे चले गई, बिल्डिंग बना रहे हैं, किसी लेबर वाले बंदे की डेथ हो गई, कॉम्पनसेशन देना पड़ा, बिल्डिंग बना रहे हैं, मटेरियल चोरी हो गया, बिल्डिंग बना रहे हैं जी, अर्थक्वेक आ गया, स्ट्रक्चर गिर गया, मेरी बात समझ रहे हैं? जितना भी एबनॉर्मल लॉस सेल्फ कंस्ट्रक्शन की स्टेज पे होगा, वो एबनॉर्मल लॉस आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, दैट विल गो टू पी एंड एल अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस के दर्शन करेगा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस के दर्शन करेगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के दर्शन करेगा। टनाटन है सर, टनाटन है सर, टनाटन है सर, क्या टनाटन है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल टनाटन है सर। क्वेश्चन करो क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होने वाला पेपर में, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होने वाला सर। लो आपके सामने है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन रीड करो, मुझे बताओ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स की कीमत कितनी, करो कैलकुलेशन, स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, करो चेक करो। करो चेक करो। अगर आपने बेटे रीड किया हो दस लाख का तो मटेरियल ही है, ढाई लाख के डायरेक्ट एक्सपेंस हैं,
टोटल लेबर है तो 5 लाख, लेकिन इसका 1/10 ही एलोकेबल है, वाज चार्जेबल टू द कंस्ट्रक्शन। इसका अगर मैं 1/10 करता हूँ तो 1/10 का मतलब 50,000 रुपीज़ है ना। एक, दो, तीन। अच्छा जी, टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 8 लाख, लेकिन इसका 5% ही चार्जेबल है कंस्ट्रक्शन को, तो इसका 5%। डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, ये 10,000 रुपये हैं। लो जी, मेरे हिसाब से कॉस्ट निकाल लिए हैं हम। मैं यहाँ लिख दूँ, मैं ये लिख देता हूँ, मटेरियल 10 लाख रुपये। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे, मैं आपको लिख के देता हूँ नए पेज पे। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स। बताओ बच्चे, सबसे पहले मटेरियल के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। शायद मटेरियल 10 लाख रुपए का था, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मुझे प्रीवियस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2.5 लाख, डायरेक्ट वेजेस 5 लाख रुपए का 1/10, तो ये बनते हैं जी 50,000 रुपये। अच्छा जी, और क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कितने हैं सर, 8 लाख रुपए का 5% इस कंस्ट्रक्शन साइट के लिए हमने खर्च किया है, 40,000 रुपीज़। और एक डेप्रिसिएशन भी है सर, जब हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो तरह तरह की मशीनें यूज़ होती हैं, वो सारी मशीनें किराए पे होती हैं या खुद खरीद के हम यूज़ करते हैं। किराए की होंगी तो हायर चार्जेस, और अगर खुद की होंगी तो डेप्रिसिएशन, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट है सर। कॉस्ट बताइए कितनी, 12.5, 13, 13.40, 1.5 लाख, 13.5 लाख रुपये है सर। ये लीजिए जनाब, ये कॉन्सेप्ट हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्शन एसेट्स का। नंबर वन, कैश में खरीदेंगे तो चार्ट बनेगा। नंबर टू, खुद बनाएंगे तो बस इतना ही हिसाब रखेंगे, है ना। तीसरा सिचुएशन, सिचुएशन थ्री, हायर परचेज एसेट्स। हायर परचेज एसेट्स हम इसे कहते हैं, इफ पेमेंट इज मेड, इफ पेमेंट इज टू बी मेड, बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, हायर परचेज एसेट्स। देखो जी, मैं गाड़ी खरीदने गया, हफ्ते का उधार ले आया कि मैं आपको एक हफ्ते में पेमेंट कर दूंगा, नॉर्मल क्रेडिट है। मैं 2 दिन में पेमेंट कर दूंगा, नॉर्मल क्रेडिट है। मैं कोई मशीन ले आया, मशीन की पेमेंट 1 महीने बाद कर दी, नॉर्मल क्रेडिट है। मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, 15 दिन बाद पेमेंट कर दी, नॉर्मल क्रेडिट है। चलता रहता है बाजार में ऐसे। लेकिन अगर मैंने गाड़ी खरीदी, पैसे 5 साल में दूंगा, किश्तों में दूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, फिर
ये बन जाता है बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट। तो यहाँ पे जो नया एएस है उसने साफ साफ बोला है इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, तो फिर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपने एसेट के लिए कितनी पेमेंट की और आपने एक्स्ट्रा पेमेंट इंटरेस्ट के बिहाफ पे कितनी की, और जो इंटरेस्ट है वो ओवर द पीरियड P&L में जाएगा, और जो एसेट का कैश प्राइस है वो कॉस्ट मानी जाएगी। अब मान लो मेरे को कार परचेज करनी है, कार का प्राइस है जी 5 लाख रुपए। मैंने कंपनी को बोला जी मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, इंस्टॉलमेंट में ले लेना, तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं आप ऐसा करना, कंपनी कहती है आपकी 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है मंथली, और आप हमें 30 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देना। 30 इंस्टॉलमेंट का मतलब 2.5 साल। मैंने हिसाब लगाया ये 6 लाख बनते हैं, तो वैसे तो गाड़ी का प्राइस 5 लाख है, कंपनी 6 लाख मांग रही है, तो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मांग रही है दैट इज इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट को ओवर द पीरियड 2.5 साल में बुक करेंगे हम। लेकिन ये इंटरेस्ट किसी भी तरीके से कॉस्ट का पार्ट नहीं है, इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड टू टू द कॉस्ट ऑफ PPE, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना। कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटे, सिर्फ एक केस है जब आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पढ़ना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। जो बच्चे बोध ग्रुप दे रहे हैं वो IPCC के सेकंड ग्रुप में पढ़ते हैं, CA फाइनल वालों को तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर कोई एसेट AS 16 की कंडीशन पूरी कर दे देन इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज, अदरवाइज इंटरेस्ट कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ PPE। इंटरेस्ट एक फाइनेंसिंग कॉस्ट है और P&L में जाएगी सर। तो अगर हम इसमें लिखें कॉस्ट ऑफ एसेट शुड बी कंसिडर्ड इक्वलेंट टू कैश प्राइस, इक्वलेंट टू कैश प्राइस ऑफ एसेट। इफ एनी इंटरेस्ट इज पेड देन इट विल गो टू P&L ओवर द क्रेडिट पीरियड। बट the amount of interest will not be considered as a part of cost of PPE unless 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 AS 16 allows आप कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे जब तक कि AS 16 आपको अलाउ नहीं कर देता। और आज की क्लास में बच्चों इनिशियल रिकग्निशन के मैंने आपको 3 केस करा दिए, लेकिन मेरे पास आज जितना टाइम था मैं उतना पढ़ा चुका हूँ। मेरा Part 1 कंप्लीट हो गया, मेरा Part 2 भी कंप्लीट हो गया। आप यहाँ तक वीडियो देखें
और इसके आगे का कॉन्सेप्ट पार्ट 3 में आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को सर्च करें, अपने आप को अपडेट करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्डिंग कराऊंगा जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।